Good morning, everybody. Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine, perfectly fine. Good morning, everyone. Sunday ko test hoga bachcho aapko hydraulic machines ka. Sunday test will be of hydraulic machines. Theek hai na? To pehle hi clear bata do sabko. संडे को टेस्ट होगा हाइड्रोलिक मशीन्स का, टाइमिंग मॉर्निंग की ही रहेगी, लेकिन फिक्स टाइम रहेगा. अब टेस्ट जो है वो ओपन नहीं रहेगा, ठीक है ना, पूरे ड्यूरेशन के लिए ओपन नहीं रहेगा. टेस्ट का जो टाइमिंग होगा एग्जैक्टली टेस्ट उतने ही देर के लिए ओपन रहेगा बस. चलिए बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप सब फ्रेश होंगे. तो चलिए बच्चों, यहाँ पे वापस हम लोग आए हैं रिवीजन सेशन को कंटिन्यू करने. तो कल का दिन काफ़ी भारी था, कैसे कैसे करके टास्क पूरे करने पड़े. फिर भी अभी एक दो टास्क रहते हैं जो करने हैं, ठीक है ना, लाइक अ शॉर्ट वीडियो, वो आज आप लोगों को मिलेगा. चलिए भाई, जिसका भी बर्थडे है उसको हैप्पी बर्थडे. और बर्थडे में क्लास अटेंड कर रहा है तो इससे बढ़िया आशीर्वाद कोई है नहीं उसके लिए. तो वो खुश रहे, आबाद रहे, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुशी रखे. तो चलिए आज हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. क्विज का रिजल्ट की अगर बात करें तो वो भी देखना बाकी है. बाकी क्विज मैंने देखा, क्विज में एक्चुअली क्या है ना, क्विज का डिफरेंस जो है हमारे टेस्ट से थोड़ा अलग होता है. क्विज में काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आया, क्योंकि क्विज में जो है वो आप क्वेश्चंस प्रीव्यूज नहीं कर सकते. क्विज मतलब होता है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर किया, आगे चले, बस सही गलत ही उसी टाइम पता चल जाएगा, ठीक है ना. तो क्विज वो होता है. क्विज में ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चंस पेपर की तरफ उसे पूरा करें फिर वापस आए, ठीक है ना. वैसे तो मैं क्विज चाह रहा था उस तरह का कि जिसमें हमें उसी टाइम नंबर ऑफ आंसर किसने कौन सा दिया है वो पता चल जाए, लेकिन वो सही बैठा नहीं उस हिसाब, तो इसीलिए काफ़ी लेट हो गया कुछ नए ट्रायल करने के चक्कर में. फिर जो भी क्विज हो पाया हमारे पोर्टल में जो अवेलेबल है, फिर वो क्विज मैंने करवाया, ठीक है. और बेहतर सोचेंगे, क्लियर है ना. तो वही है क्वेश्चन स्ट्रीम पे चलाने का. हाँ, मतलब ये है कि कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन उतना परफेक्ट ऑप्शन कोई नहीं मिला है. तो आप लोगों को मिलेगा तो ज़रूर लिंक भेजिएगा, हम उस तरह का क्विज कराने की कोशिश करेंगे. तो जैसा मेरे को पता चला उस हिसाब से मैंने चीज़ें करी, लेकिन उतना बेनिफिशियल नहीं रहा. जो हैं भी थोड़े से उसमें क्वेश्चन नंबर जो है वो बहुत ही कम है. तो 5-6 क्विज आप क्या करोगे, एक घंटा कैसे निकालोगे. तो इसीलिए खैर छोड़िए, उसमें तो सुधार कंटिन्यूस आता ही रहेगा. नाउ अब यहाँ पे आज हम आए हैं डिस्कस करने, दैट इज स्टीम नोजल. तो यहाँ पे आज मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा स्टीम नोजल के. और एक ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं, एक ही रिवीजन सेशन में ख़त्म हो जाएंगे. और उसके बाद इवनिंग में हम उसी स्टीम नोजल के हमारे ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, ठीक है, जिससे कि टॉपिक जो है वो परफेक्टली यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, समझ आई बात. तो चलिए, और तो कुछ कहना नहीं है किसी को. क्विज डेली होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए डेली, लेकिन डेली क्वेश्चन बनाने के लिए समय भी होना चाहिए. तो जैसे ही हमें ऐसा मिलता है कि हम डेली क्वेश्चन अपलोड कर सकें तो बिल्कुल क्विज बनाएंगे, डेली बनाएंगे, ठीक है ना. या फिर ऐसा कर सकते हैं कि कम कम क्वेश्चन का बनाएं, ज़्यादा क्विज बना के रख लें, ऐसा कर सकते हैं. तो चलिए खैर, ये सब करेंगे. तो चलिए बच्चों, नई मॉर्निंग में नई सुबह के साथ फ्रेशली स्टार्ट करते हैं हमारा कंसेप्ट ऑफ स्टीम नोजल और समझने की कोशिश करते हैं स्टीम नोजल. चलिए, टेस्ट सीरीज का बिल्कुल टेंशन मत दीजिए, जो टेस्ट सीरीज बन रही है और बहुत बेहतर टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेगी. टेस्ट सीरीज बन रही है और टेस्ट सीरीज की कोई जल्दी भी नहीं है अभी. अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी टेस्ट सीरीज की कोई जल्दी नहीं है. तो अभी कहीं पर भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है. टेस्ट सीरीज की जरूरत होती है वही लास्ट मंथ में ही. अगर आप टेस्ट सीरीज उससे पहले भी करके चलेंगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना. तो आपको लास्ट में फिर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा. तो टेस्ट सीरीज की जरूरत है आपको आखिरी मंथ में ही. तो मतलब इस जुलाई तो जरूरत नहीं है वैसे मेरे हिसाब से. मैं तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी राय जो है, चाहे मेरी हो या किसी की भी टेस्ट सीरीज आप लें, जुलाई में अभी टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. चलिए, आवाज कम है थोड़ी, आवाज थोड़ी कम है, एक सेकेंड. हेलो, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे. तो
चलिए अगर ज़्यादा कम लगे तो बताइएगा, वैसे तो लगभग यहाँ पे सही नज़र आ रही है। आवाज अब ठीक है, अब ठीक है, वॉइस क्लियर है, बताइए अगर मुझे ओके करिए तो मैं आगे चलूँ। आवाज चलिए, बॉयलर के न्यूमेरिकल बिल्कुल होना है अभी। हाँ, वो जो मैंने फ्यूल एंड कम्बशन के ऊपर कहा है उसके ऊपर जो सेशन जो है मैं न्यूमेरिकल इकट्ठे कर रहा हूँ, अभी मैंने दो तीन न्यूमेरिकल ही लिखे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा और न्यूमेरिकल बढ़ा दूँ उसमें, पाँच छः न्यूमेरिकल, तब जाके उस सेशन को करता हूँ, इसलिए मैंने वो सेशन आज नहीं लिया है, ठीक है। नाउ 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 वी आर मूविंग टू स्टीम नोजल। आवाज आ जाएगी बच्चों, भी चिल्लाऊंगा मैं तो आवाज आ जाएगी, क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग टू स्टीम नोजल। अब आप सबको पता है कि नोजल जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है हमारे पावर प्लांट का, बिकॉज अगर हमें टर्बाइन चलाना है तो वहां पे कहीं ना कहीं स्टीम नोजल का यूज हमें करना पड़ेगा, स्टीम टर्बाइन को चलाने के लिए स्टीम नोजल का यूज करना पड़ेगा। बस आपको सिंपल सी एक बात समझनी है कि जब हम बोल रहे हैं स्टीम नोजल का यूज करना पड़ेगा, तो आपको एक बेसिक सी बात समझनी होगी कि डू नॉट कंपेयर इट विद हाइड्रोलिक नोजल। इसको आप हाइड्रोलिक नोजल से कंपेयर ना करें, मतलब जो नोजल हम लोग पढ़ते हैं हमारे वाटर टर्बाइन्स में, तो उन वाटर टर्बाइन्स की नोजल के साथ आप स्टीम नोजल को कंपेयर ना करें। कंपैरिजन में सिर्फ इतना ही है कि हाँ आप काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी बढ़ाना चाह रहे हैं जो नोजल का नेचर है, पर यहाँ पे उस तरह से काम नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जब फ्लो करेगी तो वो फ्लो हमारा कहीं ना कहीं कंप्रेसिबल फ्लो होगा, वो फ्लो हमारा कहीं ना कहीं जो है वो कंप्रेसिबल फ्लो होगा, क्योंकि हमने देखा है जब हाइड्रिक टरबाइन में नोजल की बात होती है तो हाइड्रिक टरबाइन में हमारा वर्किंग फ्लूड क्या होता है, वाटर होता है, और वाटर को हम जानते हैं कि वो लगभग इनकंप्रेसिबल होता है। इनकंप्रेसिबल होने से मतलब यह है कि जब उसमें प्रेशर का चेंज आता है ना, इनकंप्रेसिबिलिटी तो आपको पता है ना, कि जब उसमें प्रेशर का चेंज आता है तो उसमें डेंसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है। अगर हमारा फ्लूड इनकंप्रेसिबल है तो यू ऑल नो दैट इन फ्लूड मैकेनिक्स कि इनकंप्रेसिबल फ्लूड के लिए डेंसिटी चेंज नहीं होती है, तो वाटर जो है वो एक ही डेंसिटी के साथ जो है इधर से उधर फ्लो कर जाता है नोजल में। लेकिन जब हम गैसेस की बात करते हैं, स्टीम की बात करते हैं, तो स्टीम में जब कोई क्रॉस सेक्शनल चेंज होता है या प्रेशर का चेंज होता है तो उसके साथ साथ जो है स्टीम में जो हमारा नॉजल है उसका डेंसिटी जो है, सॉरी स्टीम का जो डेंसिटी है वो भी बदल जाता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस हो जाता है हमारे वाटर टर्बाइन और वाटर वाटर नोजल और स्टीम नोजल में, समझ आ रही बात। तो इसलिए जब हम लिख रहे हैं स्टीम नोजल तो याद रखिएगा यहाँ पे कंसेप्ट थोड़े डिफरेंट होंगे, इसलिए यहाँ पे आप उस तरह से नहीं सोच सकते पानी की तरह कि अच्छा गया वाटर गया तो अपना प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा, इस हिसाब से आप जो वहां लेके चलते हो सीवन ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, वहां वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि वन डायमेंशनल फ्लो में अगर मैं बात कर रहा हूं वाटर की, तो वी ऑल नो दैट कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, तो मतलब यहाँ वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एरिया के चेंज पे डिपेंड करती है। लेकिन जब यहाँ बात करते हैं हम लोग तो स्टीम और गैस की बात करें तो गैस क्या है, कंप्रेसिबल है, तो इसलिए वहां पे डेंसिटी कंटिन्यूटी इक्वेशन रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू हमें नजर आती है, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस जो है हमें समझना होगा कि दोनों में फर्क क्या है, ठीक है ना। तो एक इस कंटिन्यूटी इक्वेशन पे काम करती है तो एक इस कंटिन्यूटी इक्वेशन पे काम करती है, वो भी जब मैं वन डायमेंशनल फ्लो की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जनरली वन डायमेंशनल फ्लो ही इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे, क्योंकि नोजल की वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो वो एक ही डायरेक्शन में हम लोग देख सकते हैं जिस डायरेक्शन में वो बढ़ रही है, उसके क्रॉस सेक्शनल कोई और डायरेक्शन में हमें जरूरत नहीं है देखने की, ठीक है ना। तो इसलिए बात हम वन डायमेंशनल की ही करेंगे यहाँ पे, लेकिन ये बेसिक सा फर्क आपको देखना पड़ेगा कि देयर इज चेंज इन डेंसिटी ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये क्या है, कंप्रेसिबल फ्लूड है। तो इसलिए यहाँ पे हमें अगर फुल डिटेल कंसेप्ट समझने हैं तो हमें कंप्रेसिबल फ्लो को भी समझना पड़ेगा, कंप्रेसिबल फ्लो की इक्वेशंस को भी समझना पड़ता है, समझ आई बच्चों बात, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हमें ध्यान रखनी है सबसे पहले, उसके अलावा चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर यहां पे स्टीम नोजल को। नाउ तो अब नोजल का बेसिक डेफिनेशन हमारा क्या है कि नोजल इज अ डिवाइस यूज्ड टू
यूज टू चेंज दी या यूज टू इंक्रीज दी वेलोसिटी ऑफ फ्लो यूज टू इंक्रीज दी वेलोसिटी ऑफ फ्लो नॉट द डिवाइस यूज टू इंक्रीज दी वेलोसिटी ऑफ फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लो विद ड्रॉप इन प्रेशर विद ड्रॉप इन प्रेशर। बस ये बेसिक सी बात आपको समझनी है कि वेलोसिटी को इंक्रीज करता है बाय ड्रॉप इन प्रेशर, प्रेशर को ड्रॉप करके। समझ आ रही है बात? ये बेसिक सी बात हमको समझनी है और हमारा जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो इसी में है। क्लियर है? समझ आ रही बात? तो अब इस बेसिक सी बात को समझो कि वेलोसिटी का इंक्रीमेंट तो यही हमारा मेन नीड है। अब चाहे हम नोजल किसी भी टर्बाइन के लगाएं, वेलोसिटी को इंक्रीमेंट हम करना चाहते हैं ताकि उस काइनेटिक एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकें। टू यूटिलाइज द काइनेटिक एनर्जी, टू यूटिलाइज द काइनेटिक एनर्जी फॉर टर्बाइन्स, ठीक है। और बाकी हमने ऐसा नहीं है कि सिर्फ टर्बाइन्स में काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करना है, हमें टर्बाइन्स में ही करना है। तो आपने कल देखा था, हमने कुछ ड्रॉट के एग्जांपल पढ़े थे, उसमें भी हमने स्टीम जेट ड्रॉट यूज किया था। तो वहां भी हमने देखा था कि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो यूटिलाइज की जा रही थी ड्रॉट क्रिएट करने में। तो मतलब ऐसे अदर यूज भी हैं, ठीक है ना? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज नहीं है, ऐसे अदर यूज भी हैं, ठीक है? समझ आ गई बात? तो ये बेसिक सी बात आपको समझनी है, उसी को हम, उस डिवाइस को हम लोग नोजल कहते हैं, ठीक। तो अब यहां पे हम सिंपली बोले कि अगर हमारी एक प्रेशर लाइन है, दूसरी प्रेशर लाइन है, ये P1 प्रेशर है, ये P2 प्रेशर है। अब प्रेशर ड्रॉप हमारे करने के लिए ऑब्वियसली बात है प्रेशर हाई होना चाहिए। जितना हाई प्रेशर होगा उतना ड्रॉप ज्यादा होगा, उतना ड्रॉप ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी बढ़ाने का चांस है। तो हमारे पास, हमें पता है, अब जैसे जैसे पढ़ रहे ना वैसे वैसे समझ आता रहेगा क्या कि किसी भी थर्मल पावर प्लांट में, हम एक डिवाइस ले रहे हैं बॉयलर, है ना? हम एक डिवाइस ले रहे हैं बॉयलर, दिस इज कॉल्ड बॉयलर। और बॉयलर में क्या हो रहा है? बॉयलर में जा रहा है हमारा वाटर किसी पंप के थ्रू, मान लीजिए हमारा जा रहा है वाटर, क्योंकि जैसे ही मैं ये नोजल टर्बाइन दोनों बता दूंगा फिर मैं आऊंगा आऊंगी रैंकाइन साइकिल में, क्योंकि तब हम जान चुके होंगे बॉयलर को, हम जान चुके होंगे नोजल को, हम जान चुके होंगे टर्बाइन को, ठीक है ना? तब हम बात करेंगे हमारे रैंकाइन साइकिल की। तो वाटर हम लोग यहां पे एंटर करता है और यहां से सुपर हीटेड स्टीम जो है वो बाहर निकलती है, सुपर हीटेड स्टीम जो है वो बाहर निकलती है। अब ये सुपर हीटेड स्टीम ही जो है वो टर्बाइन में जानी चाहिए, तो उसके लिए वो नोजल से पास होती है। तो हमें पता है कि बॉयलर हमारा क्या होता है, प्रेशर को राइज करके देता है। बॉयलर में हमारा क्या हो रहा है भाई, किसी कांस्टेंट प्रेशर पर बॉयलर की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, तो वो जो प्रेशर मेंटेन करा होगा, आपने देखा था हर बॉयलर अलग अलग ऑपरेटिंग प्रेशर वाला है, तो कोई लो प्रेशर है, कोई मीडियम है, कोई हाई है, तो जो भी प्रेशर है तो उसका एक सर्टेन प्रेशर जो है वो उस पर स्टीम जो है वो बाहर आ रही है। तो उस सर्टेन प्रेशर पर स्टीम जब बाहर आ रही है तो उस प्रेशर को ही हमने ड्रॉप करना है नीचे, ठीक है ना? उस प्रेशर को ही हमने ड्रॉप करना है नीचे और उस ड्रॉप करने पर वेलोसिटी को बढ़ाना है, ठीक है? तो जितना ज्यादा ये ड्रॉप होगा उतना वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा। ये सिंपल सा फंडा है नोजल का। और हमेशा याद रखिए, स्टीम टरबाइन में आप कहीं पर भी नोजल लगाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, क्योंकि ये सब मैं आपसे पूछूंगा जब कंपाउंडिंग करेंगे हम लोग, तो नोजल के सीधा क्लियर क्रिस्टल क्लियर आपको याद रखना है, ऑलवेज ड्रॉप द प्रेशर एंड इंक्रीज द वेलोसिटी, बस। ठीक है? ठीक है ना? समझ आ गई बात? क्लियर है? तो ये बेसिक से हमें बात ध्यान रखनी है। तो ऐसे में जब हम नोजल यूज करते हैं तो क्या उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स निकल के आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ नोजल? तो याद रखिए बच्चों, नोजल के जो टाइप्स होते हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन कंप्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो। मतलब जब हम हाइड्रोलिक नोजल की बात करते हैं, जब हम वाटर नोजल की बात करते हैं, तो हम सबको पता है कि वाटर नोजल में हमारे, अगर मैं बोलूं कि वाटर नोजल में डिफरेंट टाइप्स कैसे हो सकते हैं नोजल के, तो कोई टाइप ही नहीं है,
क्यों? क्योंकि नोजल का सीधा सीधा अर्थ वहां पे है कि भैया वेलोसिटी बढ़ानी है तो क्रॉस सेक्शन को कम करना है, ठीक है ना। वाटर टर्बाइन्स में हमारे पास सीधा क्रिस्टल क्लियर है, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, वी टू को इंक्रीज करना है तो ए टू ए वन ए टू को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पे हमारे पास जो है हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि शेप हमारी क्या होगी, ये हमें कंप्रेसिबल फ्लो के कंसेप्ट से ही निकालना पड़ता है, ये हमें कंप्रेसिबल फ्लो के कंसेप्ट से ही निकालना पड़ता है। और क्या कहता है वो कंसेप्ट, तो यहां पे मैं एक डायरेक्ट रिलेशन यूज कर रहा हूं, दैट इज डी ए बाय ए इज इक्वल टू डी वी बाय वी इन टू एम स्क्वायर माइनस वन। ये रिलेशन याद रखिएगा बच्चों, किसी को भी आपको समझाने में हेल्प मिलेगी जब भी आप बताना चाहेंगे कि हम इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ नोजल क्यों ले रहे हैं, तो पूरा कंप्रेसिबल फ्लो का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले से भी किसी को भी समझा सकते हैं कि क्यों हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। क्यों हम सीधा सीधा एक ही शेप नहीं कहते कि कन्वर्जिंग ले लो नोजल स्पीड बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ अलग अलग क्रॉस सेक्शन में भी स्पीड बढ़ती है क्योंकि मैंने बोला डेंसिटी बदल रही है, तो इसलिए ये डी वी बाई वी जो है यहां पे याद रखिएगा, दिस इज चेंज इन एरिया, ये डी ए बाई ए क्या है, परसेंटेज चेंज इन एरिया, चेंज इन क्रॉस सेक्शन, ये बता रहा है हमें चेंज इन क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, ये बता रहा है हमें चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और एम बता रहा है हमें मैक नंबर, M जो है वो है मैक नंबर, ठीक है। अब यहां पे देखो एक बेसिक सी बात ध्यान से समझिएगा, स्टेप वाइज कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक से स्टेप है ये। नाउ अब देखो DA बाय A हम लोग बोल रहे हैं चेंज इन क्रॉस सेक्शन, तो DA बाय A क्या रहेगा चेंज इन क्रॉस सेक्शन अभी हमें नहीं पता, ये मे बी इंक्रीज कर सकता है, मे बी डिक्रीज कर सकता है, मे बी सेम रह सकता है ना, मे बी सेम रह सकता है, तो इंक्रीज कर सकता है एरिया, डिक्रीज कर सकता है, सेम रह सकता है, हमें नहीं पता। यही तो पता करना है कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, क्या हो सकता है, ये हमें पता करना है। नाउ डीवी बाई वी जो है, डीवी बाई वी जो है, ठीक है ना, ये समझ गए ना। तो इंक्रीज के लिए मैं बोल देता हूं, इंक्रीज के बोलता हूं ये पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इंक्रीमेंट, पॉजिटिव रह सकता है, नेगेटिव रह सकता है, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रह सकता है और जीरो भी रह सकता है, मतलब कोई चेंज ना हो क्रॉस सेक्शन एरिया में, ऐसा भी हम कह सकते हैं, अभी नहीं पता हमें एरिया। लेकिन डीवी बाई वी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो बिल्कुल क्लियर है, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो क्या है भैया, हम नोजल ले रहे हैं, तो नोजल ले रहे हैं तो चेंज इन वेलोसिटी हमेशा बढ़ाएंगे ही ना, कम तो नहीं करना चाहेंगे, तब तो वो डिफ्यूजर कहलाएगा। अगर वेलोसिटी को आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो देन इट इज कॉल्ड अ डिफ्यूजर, तो हम उसे नोजल कह रहे हैं, तो मतलब ऑलवेज हम वेलोसिटी को इंक्रीज ही करना चाहते हैं, वी ऑलवेज वांट टू इंक्रीज दी वेलोसिटी, तो इंक्रीज इन वेलोसिटी, तो मतलब इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, ये तो हमें पॉजिटिव ही चाहिए ना हमेशा, ये तो कभी नेगेटिव नहीं चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज इन नोजल वेलोसिटी शुड इंक्रीज, है ना, नोजल में वेलोसिटी तो बढ़नी ही चाहिए, तो ये तो इंक्रीमेंट लेना ही लेना है, ये तो पॉजिटिव लेना है, ये तो हमारी मजबूरी है, अगर ये ही पॉजिटिव नहीं ले रहे हो तो फिर वो नोजल ही नहीं है, तो अगर वो नोजल है तो इट शुड बी पॉजिटिव, ये कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। नाउ मैक नंबर, मैक नंबर हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है बच्चों कि हमारा इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, याद होगा आपको, या फिर मैंने आपको रिलेशन पुट करके दिखाया था कि इनर्शिया फोर्स ऑफ इलास्टिक फोर्स बोलो या फिर बोलो दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड आप फ्लो करा रहे हैं उसकी वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, अपॉन साउंड की वेलोसिटी का रेशियो, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये हमने इसको मैक नंबर कहा था, ठीक है। तो आप इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स भी कह सकते हैं और वी बाई सी, वहां पे मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में दोनों में रिलेशन भी बताया था, ठीक है ना। तो यहां पे आपको याद रखना है कि एम इज इक्वल टू वी बाई सी है, तो ऐसे में मैक नंबर की कंडीशन क्या क्या हो सकती है, अब यहां पर भी आप देख सकते हो, अगर मैक नंबर लेस देन वन आता है तो आप सबको पता है लेस देन वन आना मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड भाई कम आना, लेस देन वन आना मतलब आपकी वेलोसिटी, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला आपका बड़ा है ऊपर वाला कम है, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो साउंड की वेलोसिटी से कम है, तो इट मींस वेलोसिटी
ऑफ फ्लूड इज लेस देन साउंड वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी से कम है आपके फ्लूड की वेलोसिटी, तो ऐसे फ्लो को हम सबसोनिक फ्लो बोलते हैं, ऐसे फ्लो को हम सबसोनिक फ्लो बोलते हैं। तो इन जनरल ज्यादातर हमारे पास सबसोनिक फ्लो के केस रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे में हमारे पास जनरली जो है ज्यादातर सबसोनिक फ्लो के केस रहते हैं, क्योंकि नॉर्मली फ्लो जो है अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड से कम है तो वो सबसोनिक फ्लो है, ठीक है। लेकिन अगर मैक नंबर इक्वल्स टू वन हो जाता है, तो इक्वल्स टू वन हो जाता है मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूड, फ्लूड की वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर हो जाती है, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो साउंड की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। तो अगर साउंड की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम उसे सोनिक फ्लो बोलते हैं, तब ऐसे फ्लो को हम लोग सोनिक फ्लो बोलते हैं, मतलब साउंड की तरफ फ्लो कर रहा है, साउंड की वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब हम मैक नंबर जो है वो ग्रेटर देन वन बोल देते हैं कि वन से बड़ा हो, तो वन से बड़ा कब होगा, जब वी बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूड जो है उस केस में वेलोसिटी ऑफ साउंड से जो है वो बड़ा होगा, है ना। तो मतलब आपका जो फ्लो हो रहा है वो साउंड की वेलोसिटी से भी ज्यादा तेज है, मतलब। तो ऐसा फ्लो की पहचान सीधा सीधा क्या होती है कि मान लीजिए आसमान में आप देख रहे हैं किसी चीज को चलते हुए, लेकिन वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है उसका, मतलब आपको चलते हुए कोई चीज दिखी, ठीक है ना, जैसे आप जनरली जेट वगैरह में देख सकते हो, ये चीज आपको चलते हुए दिखा कि ये निकल गया, लेकिन आपको साउंड नहीं आया, जब वो चले गया अब उसका साउंड आपके पास आ रहा है, समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो था उसका, तो जो वो फ्लो कर रहा था, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा था आपका साउंड की वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो आपको क्या है कि वो आपको चलता हुआ दिखाई दिया, वो चले गया, अब उसका साउंड यहाँ पे आ रहा है आपको थोड़ा लेट, तो दैट इज कॉल्ड सुपरसोनिक फ्लो, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक फ्लो। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा खतरनाक मामला हो जाए कि मैक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 5 हो जाए, मैक नंबर जो है वो 5 से भी ज्यादा हो जाए, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूड जो है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाए, या ग्रेटर देन 5 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाए। अगर ये वेलोसिटी हमारे फ्लूड का वेलोसिटी जो है साउंड की वेलोसिटी से 5 गुना से भी ज्यादा हो जाता है, तो हमारा फ्लो जो है वो हाइपरसोनिक कहलाता है, ऐसा फ्लो जो है हमारा वो हाइपरसोनिक फ्लो कहलाता है। तो अब क्या हुआ, अब तो समझ लीजिए आपको फ्लो दिखाई दिया, साउंड बहुत ही लेट आया, क्योंकि फ्लो तो उसके 5 गुना ज्यादा स्पीड से चल रहा था, तो फ्लो तो हो गया, साउंड उसका बहुत पीछे है, समझ आ रही बात। तो यहां पे आपको सिंपली समझना है कि किसी भी फ्लो को हम लोगों ने इन 4 कैटेगरीज में बांटा है, सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। तो मैक नंबर की यही अलग अलग कंडीशंस हैं कि आपका फ्लो किस तरह का है। तो अब यहां पे देखिए तीन ही चीजें हमारे पास रिलेशन में, इसलिए मैं सीधा सीधा इसी रिलेशन को बताता हूं कि तीन ही चीजें हमारे पास रिलेशन में, मैक नंबर, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एरिया। आपको टाइप्स पता करने हैं नोजल के, तो आपको पता करना है चेंज इन एरिया क्या होगा, है ना। नोजल के टाइप्स पता करने हैं शेप्स के बेसिस पे, तो आपको यही पता करना है कि नोजल का एरिया क्या होगा। तो आपको चेंज इन एरिया निकालना है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी आपको पता है पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, ये हमने बोल दिया। तो पुट क्या करोगे, मैक नंबर, मैक नंबर को अलग अलग पुट करिए और कैलकुलेट कर सकते हैं आप चेंज इन एरिया क्या होगा। नाउ नाउ बाय दिस यू कैन इजिली फाइंड द डिफरेंट शेप्स ऑफ नोजल, ठीक है ना। तो जब हम मैक नंबर को लेस देन वन पुट करेंगे, ठीक है ना, लेस देन वन पुट करेंगे, जब मैक नंबर को हम लेस देन वन पुट करेंगे, तो मतलब फॉर सबसोनिक फ्लो, फॉर सबसोनिक फ्लो, तो हमारा यहां देखेंगे मैक लेस देन वन है, वन से कम है, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव है और ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस दैट इज माइनस, तो फिर हमारा क्या होगा, एरिया जो है वो कम होना चाहिए, डी ए बाय ए क्या आएगा, डी ए बाय ए हमारा नेगेटिव आएगा, समझ रहे ना कैसे आ रहा है, प्लस माइनस माइनस नेगेटिव, तो मतलब डिक्रीमेंट इन एरिया, डिक्रीज इन एरिया, ठीक है ना, एरिया डिक्रीजिंग बोलेंगे सीधा सीधा, एरिया नेगेटिव आ रहा है तो मतलब एरिया डिक्रीजिंग,
ठीक है ना भाई, डी ए वाई चेंज इन एरिया जो है कम हो रहा है, तो चेंज इन एरिया मतलब ए टू माइनस ए वन नेगेटिव आया तो मतलब डिक्रीज हो रहा है एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे साफ हम कहेंगे कि एरिया डिक्रीज हो रहा है, मतलब नोजल कैसी हो सकती है, कन्वर्जिंग टाइप, कन्वर्जिंग टाइप। तो कन्वर्जिंग टाइप जो नोजल होती है हमारी, कन्वर्जिंग टाइप जो नोजल होती है हमारी कुछ किस तरह हुआ, इस तरह की नोजल हुई। तो ठीक है, एक टाइप तो ये हो सकता है, और ये तो हमारा बेसिक टाइप है जो हमें पता भी है नोजल का, कि कन्वर्जिंग टाइप नोजल किस तरह की होती है। तो एक हुई नोजल ये, जिसमें हम सब सोनिक से सोनिक फ्लो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह की नोजल में हम सब सोनिक से सोनिक फ्लो ले सकते हैं। नाउ आगे चलें, आगे चलें सेकंड कंडीशंस, कि अगर हमारा मैक नंबर जो है वो इक्वल टू वन हो जाए, तो अगर मैक नंबर इक्वल टू वन होता है तो वन माइनस वन जीरो, तो जीरो, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कितना हो गया, डी ए बाई ए इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब एरिया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एरिया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो मतलब हमारा फ्लो कैसा है यहाँ पे, मैक नंबर सोनिक फ्लो है, सोनिक फ्लो है, देखो सीधा सीधा आ रहा है, सोनिक फ्लो है। तो सोनिक फ्लो के लिए एरिया क्या होता है आपका, आपको कॉन्स्टेंट नजर आएगा, कोई चेंज नहीं। देखो अब तीनों को जोड़ेंगे बाद में, ठीक है ना। नाउ लास्ट थर्ड, अगर मैक नंबर हमारा ग्रेटर देन वन हो, ग्रेटर देन वन मतलब सुपर सोनिक, सुपर सोनिक, तो वन से बड़ा सुपर सोनिक, तो सुपर सोनिक फ्लो है अगर हमारा, तो डी ए बाई ए क्या आएगा। तो अब आप देख सकते हैं सुपर सोनिक मतलब वन से बड़ा, तो समथिंग वन से बड़ा माइनस वन, समथिंग वन से बड़ा माइनस वन इज पॉजिटिव। तो अब ये पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया भाई, वन से बड़ा माइनस करोगे बड़ा समथिंग माइनस वन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, दैट इज पॉजिटिव। तो डी ए बाई डी ए इज इक्वल टू पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि ये अगर एरिया चेंज पॉजिटिव आया तो मतलब एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीजिंग एरिया। तो अब आप देख रहे हो सबसे हाई स्पीड के लिए आपको नोजल किस तरह की लगानी पड़ रही है, तो सबसे हाई स्पीड के लिए आपको नोजल जो है वो हमें लगानी पड़ रही है डाइवर्जिंग सेक्शन की, इंक्रीज इन एरिया, एरिया इंक्रीमेंट वाली नोजल, देखा ना। तो इसलिए तो कहता हूं मैं कि अगर आप हाइड्रोलिक नोजल के हिसाब से सोच के चलोगे तो यहाँ कंसेप्ट जो है वो पूरी तरह से पलट जाएंगे, यहाँ कंसेप्ट जो है वो पूरी तरह से पलट जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाई स्पीड के लिए नोजल शुड भी जो है वो डाइवर्जिंग सेक्शन की होनी चाहिए, कुछ इस तरह से। तो ये होते हैं हमारे कंप्रेसिबल फ्लो के कंसेप्ट। तो अब आपके पास थ्योरेटिकली तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे तो कुछ है नहीं इसको समझाने के लिए, मतलब आपने इस चीज़ को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया ही नहीं होगा कभी कि हाँ भाई डाइवर्जिंग सेक्शन में स्टीम की स्पीड बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो आपने इस चीज़ को कभी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं किया और आपके पास है भी नहीं कोई एग्जाम्पल, क्योंकि स्टीम नोजल जहाँ भी देखोगे वहाँ कवर्ड देखोगे, तो आप वो फील कर ही नहीं पाओगे कि हाँ वेलोसिटी डाइवर्जिंग में भी बढ़ रही है। तो इसलिए आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए मैथमेटिकली तो आप समझा सको। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये रिलेशन से आप एटलीस्ट किसी को समझा सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल अपनी थ्योरी या कोई एग्जाम्पल आपके पास नहीं है जिससे आप समझाने की कोशिश कर सको, ठीक है ना। सिर्फ एग्जाम्पल यही है कि आप बता सकते हो कि देखो डाइवर्जिंग लगी है, ये नहीं कि हाँ इसमें कैसे हो रहा होगा। तो वो कंप्रेसिबल फ्लो का नेचर किस तरह से काम कर रहा है उसको समझने के लिए आपको कंप्रेसिबल फ्लो को ही बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल वही मैंने कहा, अपना काम निकाल के हम यहां से कर सकते हैं और एक लॉजिक स्टैब्लिश कर सकते हैं कि अच्छा इस तरह का रिलेशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वहां से हम डिफरेंट टाइप्स निकाल रहे हैं, तो हम यहां कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग सेक्शन। तो यहां पर हमारी हो जाती है डाइवर्जिंग नोजल। तो एक हमारी कन्वर्जिंग नोजल हो गई, एक होगी हमारी डाइवर्जिंग नोजल, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब सबसे बेस्ट नोजल हमारी कौन सी यूज हो सकती है, तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हो गई। तो अब यहां पे हमने देखा कि सबसोनिक फ्लो है तो कन्वर्जिंग नोजल, सोनिक फ्लो है तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, और अगर सुपरसोनिक फ्लो है तो डाइवर्जिंग, ठीक है। हाइपरसोनिक के लिए कुछ अलग नहीं करना, हाइपरसोनिक इसी टाइप से होगा। अब हाइपरसोनिक लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो अब याद रखिए सब सुपरसोनिक, ठीक है, सबसोनिक, सोनिक एंड सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक अगर हमें लेना है, तो अगर हमारा इनलेट पे वेलोसिटी जो है वो लगभग सब सोनिक है, मतलब साउंड की वेलोसिटी से कम है, और हमें निकालनी है बाहर जो हमारी साउंड की वेलोसिटी से बहुत ज्यादा हो, तो ऑब्वियस ही बात है आपको ये सारे सेक्शन कंबाइंड करने पड़ेंगे। इसीलिए पहला टाइप ऑफ नोजल ये होता है, दूसरा टाइप ऑफ नोजल ये होता है, ठीक है। एक होती है कन्वर्जिंग नोजल, एक होती है डाइवर्जिंग नोजल। तो हमारा तीसरा टाइप जो होता है दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, और यही जो है हमारी सबसे ज्यादा यूज होती है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल।
ठीक है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। अब इसमें क्या है, इसमें तीनों को कंबाइन कर दीजिए आप। फर्स्ट वी हैव अ कन्वर्जिंग सेक्शन, देन वी हैव अ कॉन्स्टेंट थ्रोट, ठीक है ये कॉन्स्टेंट वाला हिस्सा आ गया, देन वी हैव अ डाइवर्जिंग सेक्शन। देन वी हैव अ डाइवर्जिंग सेक्शन, तो ये कहलाती है हमारी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, जिसमें हम क्या करेंगे कि यहां से हमारा मान लीजिए सब सोनिक फ्लो, नॉर्मल जो फ्लो होता है साउंड की स्पीड से कम, वो सब सोनिक फ्लो अगर एंटर करता है तो वी विल गेट यहां पे सुपर सोनिक या हाइपर सोनिक फ्लो हम ले सकते हैं। तो याद रखिएगा सब सोनिक फ्लो, ठीक है सुपर सोनिक फ्लो, तो बीच में हमारा थ्रोट में क्या था, दैट इज कॉल्ड सोनिक फ्लो। बीच में हमारा क्या था, सोनिक फ्लो। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में यहां पे समझें, क्लियर है ठीक है, कर लिया नोट नाउ। अब देखिए अब थोड़ा सा डिटेल में यहां पे एक चीज को और समझें, क्योंकि अब इसी चीज को हम लोगों ने फॉलोअप करना है। कि जब हम कोई कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल ले रहे हैं, ठीक है, तो हमने ये कहा कि हमारा कोई कन्वर्जिंग सेक्शन है, हमारी कोई थ्रोट है और हमारा डाइवर्जिंग सेक्शन है, लाइक दिस। ठीक है, ये हमने कहा, तो इसमें हम देख सकते हैं, हमने जैसे बोला वहां पे कि सब सोनिक फ्लो हमारा आ रहा है, सब सोनिक फ्लो मतलब हमारा मैक नंबर लेस देन वन होता है इस कंडीशन में, तो ये हमारा कन्वर्जिंग सेक्शन है। ये हमारा कन्वर्जिंग सेक्शन है, ये हमारा डाइवर्जिंग सेक्शन है और ये हमारा थ्रोट है। थ्रोट बोलते हैं इसके गले को, ठीक है ना, गले वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड थ्रोट, ठीक है ना। तो यहां पे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सेक्शन में हम देख सकते हैं मैक नंबर थ्रोट में क्या होगा, इक्वल्स टू वन होगा, और डाइवर्जिंग सेक्शन में मैक नंबर ग्रेटर देन वन के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस तरह से हम सब सोनिक, सोनिक और सुपर सोनिक या हाइपर सोनिक फ्लो यहां से ले सकते हैं। तो ये बेसिकली फंडा होता है नोजल की अलग अलग शेप्स को लेके, ये हमारा बेसिकली फंडा होता है नोजल की अलग अलग शेप को लेके। तो इतनी बात अगर समझ में आई तो आप नोजल का एक बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम आगे की कहानी पढ़ेंगे नोजल की, इसके जो है कंसेप्ट को मैथमेटिकली समझने की, कैलकुलेटिवली समझने की। तो पहले ये बेसिक सा आप क्लासिफिकेशन समझे हैं तो बताइए, समझे हैं तो यस सर बोलिए, फिर मैं आगे की बात करूं, ठीक है ना। बिकॉज यही इसका मेन क्लासिफिकेशन था, जिस तरह से आप सबसे शॉर्ट और इजिएस्ट वे में जो क्लासिफिकेशन समझ सकते हैं, बाकी अगर कंप्रेसिव फ्लो के कंसेप्ट में घुसेंगे तो फिर बहुत कुछ है समझने के लिए, फिर तो वहां अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, क्लियर है, चलें आगे। वेरी गुड, नाओ नाओ अब देखिए नाओ, अब इसी चीज को फॉलो अप करते हुए मैं इसी फ्लो को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं, इसी फ्लो को मैं ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करता हूं। कैसे करता हूं, तो देखिए सबसे आसान होता है, तो याद रखिए नोजल का जो फ्लो होता है, फ्लो इन अ नोजल, फ्लो इन अ नोजल, तो नोजल में जो हम फ्लो लेते हैं, तो सबसे बेसिकली समझिएगा नोजल में हम फ्लो जो लेते हैं वो फ्लो होता है हमारा। अब देखो नोजल जो है वो आपकी लगभग आपकी जो है वो इंसुलेटिंग नोजल हो, तो कोशिश करते हैं हम लोग इंसुलेटिंग नोजल नहीं, लेकिन परफेक्ट इंसुलेशन आपको पता है कुछ नहीं होता है, तो वी ऑल नो दैट कि इंसुलेटिंग नोजल लेने की कोशिश हम लोग करते हैं कि नोजल हमारी इंसुलेटिंग रहे, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे जो प्रोसेस होती है वो लगभग लगभग यहां पे एडियाबेटिक होने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम आइडियली बोलेंगे, अगर हम आइडियली बोलेंगे तो आइडियली वो प्रोसेस क्या हमारी कंप्लीटली एडियाबेटिक होगी, तो आइडियली तो हो सकती है ना, तो आइडियली मान के चलेंगे अगर हम बोलेंगे ये परफेक्ट इंसुलेशन है तो यहां पे जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली एडियाबेटिक होती है। तो इसीलिए, और अगर हम आइडियली का केस ले रहे हैं तो हम इसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक भी मान सकते हैं, ठीक है भाई, मानना ही तो है कि आइडियली क्या हो रही है, तो आइडियली हम कह रहे हैं कि यहां पे कुछ लॉस नहीं हो रहा है, तो देयर इज अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस।
तो यहां पे हमारी प्रोसेस जो है वो नोजल में, मतलब नोजल के फ्लो की जो प्रोसेस है वो फ्लो इन अ नोजल इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो। तो अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो माना तो प्रोसेस कैसी हुई, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब आइसेंट्रॉपिक फ्लो, ठीक है ना। रिवर्सिबल एडियाबेटिक को क्या बोलेंगे, आइसेंट्रॉपिक फ्लो। तो ऐसे फ्लो को हम आइसेंट्रॉपिक फ्लो बोलते हैं। तो आइसेंट्रॉपिक मतलब एंट्रोपिक कांस्टेंट, एंट्रोपिक कांस्टेंट। आइसेंट्रोपिक मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू जीरो, एब्सोल्यूट एंट्रोपी इज इक्वल्स टू चेंज इन, सॉरी कांस्टेंट लिखूंगा ना, एंट्रोपी कांस्टेंट और चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। एंट्रोपी कांस्टेंट एंड चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। तो अब यहां पे इस तरह के फ्लो को हमने इंसुलेटिंग फ्लो मान के इसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो माना है, दैट्स व्हाई वी टेक इट एज अ आइसेंट्रोपिक फ्लो। तो अब यहां पे अगर मैं कोई एच एस डायग्राम बनाता हूं, यहां पे अगर मैं कोई एच एस डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, डायग्राम में एंट्रोपी लेना है ना, क्योंकि तभी आप आइसेंट्रोपिक फ्लो दिखाओगे। तो एक तरफ मैंने एंथैल्पी ली और एक तरफ मैंने एंट्रोपी ली, ठीक है, क्योंकि नोजल अपने साथ क्या है, हीट को भी तो लेके आ रहा है ना, नोजल अपने साथ हीट भी लेके आ रहा है भाई, हीट लेके आ रहा है। तो उस हीट को मैंने एंथैल्पी की फॉर्म में इसलिए लिया है यहां पे क्योंकि नोजल का अपना एक टेम्परेचर है जो है इंटरनल एनर्जी, तो यू भी उसमें आता है और एक प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो पी भी उसमें आता है। तो इसलिए एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी के लिए हम लोग एच से कंपेयर करते हैं हमेशा। तो यहां पे एच के साथ एस का अगर हम डायग्राम देखें, एच एस डायग्राम, तो हमें यहां पे साफ नजर आता है कि मान लीजिए हमारे पास दो प्रेशर लाइन है कोई, ठीक है, हमारे पास कोई दो प्रेशर लाइन है, एक प्रेशर लाइन ये है, ठीक है। एच एस डायग्राम में प्रेशर लाइन कुछ इस तरह से हम दिखाते हैं, एक प्रेशर लाइन ये है, ये कोई पी वन प्रेशर है जिससे बॉयलर से निकली थी नोजल, और कोई पी टू प्रेशर है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो ये पी वन प्रेशर से पी टू प्रेशर पे, पी वन मतलब इस पॉइंट पे मान लीजिए हम है, ठीक है ना, तो हमारे पास जब नोजल जो है बॉयलर से निकली है तो वो एंथैल्पी वन लेके निकली है। जब नोजल हमारी बॉयलर से कहीं निकल रही है स्टीम, तो एंथैल्पी वन लेके निकल रही है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है उसमें नोजल में क्या आ रहा है, प्रेशर का ड्रॉप आ रहा है, नोजल से पास हुई स्टीम तो प्रेशर का ड्रॉप आया, वो भी कैसा, आइसेंट्रोपिकली, आइसेंट्रोपिकली प्रोसेस यहां पे हो रही है। भाई प्रेशर का ड्रॉप होना एक तरह से एक्सपेंशन ही तो है, तो वो एक्सपेंशन हमारा कैसा हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है नोजल में। तो याद रखिएगा, नोजल हैव आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ, प्रेशर का ड्रॉप हुआ, तो एंट्रोपिक कांस्टेंट आपको दिखानी है नीचे, ठीक है ना, एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट दिखानी है। तो उस कांस्टेंट एंट्रोपी में आपका पी वन प्रेशर से पी टू प्रेशर आपका आ गया। तो दिस इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोजल। तो आप नोजल की इस तरह से ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं, इस तरह से ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं। क्लियर है, समझ आई बात बच्चों, ठीक है ना। नोजल की इस तरह से हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो शो करते हैं, ठीक है ना। तो आप कहीं पर भी नोजल की प्रोसेस दिखाएंगे, इट इज जस्ट लाइक, पर याद रखिएगा इट इज एन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, दिस इज एन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक फ्लो या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन बोल सकते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोल सकते हो आप। लेकिन ये ऐसा है, दो प्रेशर लाइन मैंने दिखाई, मान लीजिए मैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग यूज कर रहा हूँ, तो जब सिंपल आपका कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के लिए तो इस टाइप का डायग्राम ठीक है, सिर्फ कन्वर्जिंग है या सिर्फ डाइवर्जिंग है तो उसके लिए आपका इस तरह का डायग्राम ठीक है कि भैया पी वन प्रेशर से पी टू प्रेशर ड्रॉप हुआ, पी वन प्रेशर से पी टू प्रेशर ड्रॉप हुआ, ये दोनों के लिए डायग्राम ठीक है। लेकिन अगर आपका कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हुआ जैसे ये है, तो उसके लिए डायग्राम कैसा बनता है, तो कुछ नहीं बच्चों, ये पी वन प्रेशर है, ये आपका पी थ्री ले लो इसे, फिर ये पी टू ले लो बस, या फिर ये पी टू ही रखो, इसको कुछ पी डैश ले लो थ्रोट के प्रेशर को, तो तब वहां पे बस एक थ्रोट का प्रेशर और ड्रॉ हो जाएगा। तो तब ऐसे में अगर हम बनाना चाहेंगे, यहां पे दिखाई दे रहा है नीचे, तो ऐसे में अगर मैं बनाना चाहूंगा एच एस डायग्राम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग के लिए, तो याद रखिए क्या बनेगा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग के लिए अगर एच एस डायग्राम बनाना चाहूंगा, तो दिस इज एच, दिस इज एच, एच और एस, तो यहां पे हम आराम से बना सकते हैं एक प्रेशर लाइन, दूसरी प्रेशर लाइन एंड तीसरी प्रेशर लाइन। तो दैट इज पी वन, पी टू एंड पी डैश, पी डैश मतलब प्रेशर एट द थ्रोट। तो इतना आएगा कन्वर्जिंग के लिए, है ना, इतना आएगा कन्वर्जिंग के लिए आइसेंट्रॉपिक, और उसके बाद डाइवर्जिंग के लिए ऐसा, ठीक है।
अभी मैं लॉसेस के साथ भी दिखाऊंगा ये, ठीक है? मैं लॉसेस के साथ भी दिखाऊंगा जब हम एफिशिएंसी वगैरह देखेंगे, अभी सिंपल आइडियली समझो। तो बस ऐसा तब दिखाएंगे, 1 से 2 एंड 2 डैश, ठीक है? इस तरह से। तो ये हमारा इतना हो रहा है कन्वर्जिंग सेक्शन में, इतना हो रहा है डाइवर्जिंग सेक्शन में, और ये हमारा थ्रोट है, थ्रोट का प्रेशर है। तो तब बस प्रेशर लाइन 3 हो जाएंगी, बाकी दिखाएंगे हम ऐसे ही, समझ आ गई बात? तो यहां पे हम जो है वो आइडियली इस तरह से शो कर रहे हैं, तो इतना समझे आप, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। अब थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, देखो, ठीक है ना? तो ग्राफ हमारा हो गया, अब कैलकुलेशन देख लीजिए कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है कैलकुलेशन इसकी, हम लोगों ने कहां पे पढ़ी है? हमारे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी है हम लोगों ने, जब थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाई थी तो तब हमने वहां पढ़ी थी। तो आपको याद होगा कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जब हम लगाते हैं तो आपने बनाया था h1 + c1² / 2, ठीक है, इजिकल्स टू, है ना, सी लिया था हमने वेलोसिटी को ताकि वॉल्यूम से कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अब अप्लाइड में आप वी ले सकते हैं, क्योंकि अप्लाइड में अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम नहीं लगाना है कहीं पर भी, यहाँ नोजल वाले चैप्टर में, नोजल वाले चैप्टर में हम वॉल्यूम कहीं ले रहे हैं तो आप ले सकते हो, पर चलो मैं c1 ही रहने देता हूँ, कोई फर्क कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। h1 + c1² / 2 + g z1 + q = h2 + c2² / 2 + g z2 + w, ये था हमारा एक्सप्रेशन, है ना, ये था हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का। और वी ऑल नो दैट कि नोजल में जो है वो हीट ट्रांसफर जीरो हो रहा है, क्योंकि परफेक्टली इंसुलेटेड मान के चल रहे हैं हम, वर्क डन नोजल कोई कर नहीं रही है, कोई शाफ्ट मूवमेंट कोई है नहीं, है ना, कोई शाफ्ट मूवमेंट नहीं है, सिर्फ फ्लो वर्क है वो हमारा एंथैल्पी में आ रहा है, फ्लो वर्क पीवी। तो w = 0, z1 = z2 है, लेवल बराबर है तो z1 = z2 है। तो हमने ये देखा था कि हमारा रिलेशन सिर्फ क्या निकल के आया था, h1 + c1² / 2 = h2 + c2² / 2, ठीक है ना, h1 है एंथैल्पी एट दी एंट्री, h2 है एंथैल्पी एट दी एग्जिट। तो यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम निकालना क्या चाह रहे हैं, c2 एग्जिट वेलोसिटी, है ना, तो हम निकालना चाह रहे हैं एग्जिट वेलोसिटी, ये हमारा मेन टारगेट है कि भैया स्पीड बढ़ी कितनी। तो वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं दैट इज c2² / 2 = तो ये क्या हो जाता है, c1² / 2 + h1 - h2, ठीक है, c1² / 2 + h1 - h2। तो यहां से मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे का 2 हट जाएगा और यहां पे जो है वो 2 आ जाएगा, ये आ जाता है, ठीक है। तो हमारा C2 जो है एग्जिट वेलोसिटी ऑफ नोजल, उसका फॉर्मूला सीधा सीधा आ जाता है, याद रखिएगा, C2 इज द एग्जिट वेलोसिटी ऑफ नोजल, फॉर्मूला आ जाता है √c1² + 2 h1 - h2। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला हमने वहां पे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में लिखा था कि दिस इज द एग्जिट वेलोसिटी ऑफ नोजल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको याद होगा कि कुछ कंडीशन भी लगाई थी, कंडीशन मैंने क्या बोला था कि नोजल में हमारा काम है वेलोसिटी को बढ़ाना, है ना, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा हूं भाई तो फिर वो एक तरह से अपनी इनिशियल वेलोसिटी से बहुत बहुत ज्यादा होगी, है ना। मतलब वी ऑल नो दैट, जैसे खासकर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में ले तो इन कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में भी बोल सकते हैं आप कि c1 c2 जो है एग्जिट वेलोसिटी जो है वो c1 से बहुत बहुत ज्यादा है, आपने वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है पहले से, इनिशियली से। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि c1 को अगर मैं नेग्लेक्ट करूं, इफ जरूरी नहीं है, ठीक है ना, अगर दी होगी इनलेट वेलोसिटी क्वेश्चन में तो आप लेंगे, लेकिन अगर नहीं दी है या फिर नेगलेक्ट कर सकते हैं तो फिर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ, क्योंकि वो बोल देगा ये स्टेटमेंट की फॉर्म में, कहीं ना कहीं वो बोल देगा, तो इफ c1 इज नेगलेक्टेड, तो अगर हम c1 को नेगलेक्ट करते हैं देन एग्जिट वेलोसिटी ऑफ नोजल इज, तो याद रखिए जो पेपर में सबसे ज्यादा फॉर्मूला पूछा गया है, दैट फॉर्मूला इज c2 = √2 h1 - h2। तो याद रखिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ड्रॉप, ये कहलाता है एंथैल्पी ड्रॉप। बट एंथैल्पी ड्रॉप और ये 1 से 2 कितनी घटी एंथैल्पी, दैट इज एंथैल्पी ड्रॉप, इसको हम एच डी भी लिखते हैं, एच सफिक्स डी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ड्रॉप, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ड्रॉप। तो याद रखिएगा
एग्जिट वेलोसिटी ऑफ नोजल हम इस तरह दिखाते हैं, लेकिन एक इसका एक्सप्रेशन और याद रख सकते हैं आप। याद रखिए ये एच वन एच टू की वैल्यू जनरली हमें स्टीम टेबल से मिलती है, क्योंकि बॉयलर से स्टीम जो है वो वेट भी हो सकती है, बॉयलर से निकलने वाली स्टीम जो है वो सुपर हीटेड भी हो सकती है। अरे जरूरी नहीं कि हर समय सुपर हीटेड मिलेगी, क्या पता हमें कोई वेट स्टीम निकाल के दे दे, वो सुपर हीटर जो है वो बॉयलर यूज नहीं कर रहा, भाई कंडीशन तो बना ही सकता है ना, तो क्या पता हमें वो वेट स्टीम निकाल के दे दे, तो हमें वो वेट स्टीम दे सकता है निकाल के, हमें वो सुपर हीट दे सकता है। तो उसके हिसाब से एच वन एच टू की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, सैचुरेटेड स्टीम दे सकता है, एच एफ एच जी इस तरह की वैल्यू हो सकती है, एच जी खासकर, ठीक है ना। तो मतलब एच वन एच टू की वैल्यू जो है हमें वो स्टीम टेबल से मिलती है, तो स्टीम टेबल से हमें एंथैल्पी दे देगा या डायरेक्ट दे देगा, तो वो एंथैल्पी हमें यहां से मिलनी है। तो याद रखिए हम जो वैल्यू यूज करते हैं वो किलो जूल पर केजी में यूज करते हैं, ठीक है ना। हम जो वैल्यूज यूज करते हैं यहाँ पे वो हमारी जनरली जो रहती है वो किलो जूल पर केजी में रहती है, तो इसीलिए हम लोग उसे पहले से ही 1000 जो है वो मल्टीप्लाई करके चल लेते हैं कि अब जो आएगा उसको आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो एच वन एच टू। तो एंथैल्पी जो रहती है वो हमारी किलो जूल पर केजी में हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं जो हमें वहां से मिलती है, तो इसीलिए ऐसे में आप जो है डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, पहले ही 1000 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग उसको ओपन करके। तो यहाँ पे ओपन करके जब हम 1000 को अप्लाई करेंगे तो सी टू हमारा जो है वो सीधा सीधा क्या आता है, 2 × 1000 दैट इज एच वन माइनस एच टू एंड सी टू इज इक्वल टू 44.72 अंडर रूट एच वन माइनस एच टू, ठीक है। ये अंडर रूट 2000 का वैल्यू यहां पे आ गया 44.72, ठीक है, दैट इज अंडर रूट एच वन माइनस एच टू। तो यहां पे हम सीधा ये बोले कि सी टू इज इक्वल टू 44.72 अंडर रूट ऑफ एंथैल्पी ड्रॉप। तो दैट इज द फॉर्मूला जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, न्यूमेरिकल से लेके सब कुछ इस पे पूछा जा चुका है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा चुका है, न्यूमेरिकली पूछा जा चुका है, तो ये आपको बस एग्जैक्टली इतना ध्यान रखना है। ये कब है ये फॉर्मूला, जब इनलेट वेलोसिटी नहीं लेनी है, ठीक है ना, व्हेन वी आर नॉट टेकिंग एनी इनलेट वेलोसिटी, नहीं तो फॉर्मूला ये है। अगर लोगे इनलेट वेलोसिटी तो फॉर्मूला ये है, इस चीज को आपको समझना होगा कि अगर इनलेट वेलोसिटी नहीं लोगे तो फॉर्मूला ये है आपके पास, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बात समझेगा, ठीक है। और जो वेलोसिटी यहां से निकल के आती है दैट विल इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, जो वेलोसिटी यहां से निकल के आएगी वो हमारी मीटर पर सेकेंड होगी। तो मतलब ये कहना गलत नहीं है कि द एग्जिट वेलोसिटी ऑफ अ नोजल डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी ड्रॉप, ठीक है ना। एंथैल्पी ड्रॉप अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी और एग्जिट जो है वो भी नोजल में ज्यादा होगी, सीधा सीधा उसी पे डिपेंड है, और कोई फैक्टर है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम यहां पे सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एग्जिट वेलोसिटी ऑफ नोजल नोजल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ड्रॉप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ड्रॉप। तो वेलोसिटी ऑफ नोजल जो है वो सीधा सीधा एंथैल्पी ड्रॉप पे ज्यादा है, ठीक है। तो बहुत सुंदर से ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों, समझ आ रही है बात, क्लियर है, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल जैसा स्मूथली समझ रहे हो। ये मत समझिएगा कि मैं कुछ आसान आसान बता रहा हूँ, है ही यही, आसानी से बस हम उसको समझ रहे हैं, ठीक है। कई बार बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर ज़्यादा आसान नहीं हो गया, तो मतलब हमें जबरदस्ती टफ थोड़ी ना बनाना है किसी चीज़ को, भाई वी आर हेयर टू मेक समथिंग ईजी, दैट्स वाई वी आर मेक इट ईजी, क्लियर है। तो हमारा काम ही है चीजों को आसान बनाना, अगर हम वो नहीं बना पा रहे तो फिर हमारा काम ही क्या है, क्लियर है। कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी यहां पे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई फ्रिक्शन कोफिशियंट आता है तो जस्ट मल्टीप्लाई विद दैट। अगर कोई फ्रिक्शन कोफिशियंट हमें दिया भी है, हो सकता है फ्रिक्शन कोफिशियंट दे दे, तो जस्ट मल्टीप्लाई विद दैट, उस कोफिशियंट से सीधा मल्टीप्लाई करना है। मानो के देता है तो के को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, अगर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन देगा तो क्या करना है, किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं जरूर देके दिखा दूंगा कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या करना है। अब नाउ, अब इस यहां तक तो थी बहुत ही प्यारी सी बातें समझने वाली, ठीक है, यहां तक तो थी बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सी बातें समझने वाली, जो बहुत आसानी से समझ में आ गई। लेकिन अब थोड़ा सा कुछ रटने वाली बातें भी समझ लेते हैं, रटने वाली मतलब अब थोड़ा सा डेरिवेशंस पे आते हैं। अब इसके बाद वो बोलता है कि किसी नोजल से जो डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज कितना होता है, मतलब नोजल से जो भी आपकी वेलोसिटी आपने निकाली बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिस्चार्ज थ्रू एन आइसेंट्रोपिक नोजल, व्हाट इज द डिस्चार्ज थ्रू एन आइसेंट्रोपिक नोजल। अब थोड़ा सा यहां पे रटना शुरू कर दें आप, अब यहां पे दो चार रिलेशन में आपको बताऊंगा जो डेरिवेशन से निकल के आएंगे वो आपको याद रखने, डिस्चार्ज थ्रू एन आइसेंट्रोपिक नोजल, आपका आइसेंट्रोपिक नोजल के थ्रू जो है वो डिस्चार्ज जो है
क्या होता है। कामिल जी जल्दी है, ख़त्म कर दे लेक्चर, चोकिंग वगैरह क्या होता है, ख़त्म हो गया लेक्चर, अभी होना है, अभी रुको थमो, ठीक है, सबर। डिस्चार्ज थ्रू एन आइसेंट्रोपिक नोजल। चलिए देखो, अब आइसेंट्रोपिक नोजल के थ्रू डिस्चार्ज कितना हो रहा है, तो अब ये पूरी कैलकुलेशन है ना, आपको क्या निकालना है, डिस्चार्ज मतलब एम डॉट मास फ्लो रेट, दैट इज एम डॉट। तो आप पूरा वही आइसेंट्रोपिक इक्वेशन जो है पीवी की पावर एन इक्वल टू कोई पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन लेके चलेंगे, उसको पूरा डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, अब ये अच्छा खासा पूरा रिलेशन निकालेंगे, कंप्लीट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें उस पर नहीं जाना है। तो मैं आपको सीधा सीधा आपका रिलेशन बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि एम डॉट आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एग्जिट वेलोसिटी निकालते हैं, नोजल की एग्जिट वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एग्जिट वेलोसिटी आपने वो निकाली, तो उस रिलेशन से नहीं, अब आप पूरा पूरा सॉल्व करेंगे इसे। उसके बाद जो है वो वी टू यहां पुट करेंगे, आपको बताया था मैंने कि एम डॉट इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, ये होता है रो ए वी। तो अब यहां से एम डॉट निकालने की कोशिश करते हैं जब वी टू यहां रख देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उस पूरे पे तो नहीं पढ़ रहे हैं, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, एम डॉट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, एम डॉट भी पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन एक चीज के लिए बता रहा हूं, एक रिलेशन के लिए बता रहा हूं। तो सिर्फ इसको आपको याद नहीं करना है जो मैं लिखने जा रहा हूं, ये सिर्फ आप समझिए, ठीक है, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम, ठीक है। तो मैं भी सिर्फ देख के ही बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है ना, और ये याद रहेगा भी नहीं एग्जाम तक, तो इसकी टेंशन मत लीजिए, सिर्फ मैं आपको देख के एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो याद रखना है वो मैं बता दूंगा। तो इसको लिख लेते हैं बस ऐसे ही देख के, टू एन अपॉन एन माइनस वन पी वन अपॉन वी वन, क्योंकि ये किसी को याद नहीं रहेगा, पी वन अपॉन वी वन पी टू अपॉन पी वन की पावर टू की टू बाय एन, ओके, पी टू बाय पी वन की पावर टू बाय एन माइनस पी टू बाय पी वन की पावर एन प्लस वन, ठीक है ना। तो ये किसी को याद नहीं करना है, पहले बता रहा हूं, किसी पेपर में इसकी बात ऐसे नहीं पूछी जाती है, एन प्लस वन अपॉन एन, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, सही लिखा है नहीं लिखा है ये चेक कर लेते हैं ना, वी टू ए टू वी वन पी वन वी वन पी टू पी वन टू बाय एन पी टू पी वन एन प्लस वन अपॉन एन, ठीक है ठीक है ठीक है, ये है हमारे पास। नाउ ये वी आर रखेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम में, ये वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी को मैं फिर सी वन सी टू से ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो वेलोसिटी को मैं जो है वो सी वन सी टू से ही दिखाऊंगा, तो इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम को आप स्मॉल वी लिख लें, ठीक है, इसको आप स्मॉल वी ही लिख के चलें, ठीक है। अब देखो इसका मेन यूसेज क्या है, ये जो लिखा है हमने क्यों लिखा है, सबसे पहली बात तो लिखा हमने एक्सप्रेशन इसलिए है कि आप यहां से निकालते हो कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, मतलब ये जो एम डॉट एस है, ठीक है, आप देख सकते हो ये एम डॉट एस बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर रेशियो पी टू अपन पी वन, पी टू अपन पी वन, ये प्रेशर रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। मास फ्लो रेट जो है, डिस्चार्ज जो है वो हमारा बेसिकली हमारा प्रेशर रेशियो पे डिपेंड करता है। अब ये प्रेशर कौन रेशियो कौन सा है भाई, नोजल है पी टू एग्जिट प्रेशर टू इनलेट प्रेशर, ठीक है ना, दैट इज योर एग्जिट प्रेशर टू इनलेट प्रेशर, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं एग्जिट टू इनलेट प्रेशर पी टू अपॉन पी वन कन्वर्जिंग नोजल की बात करें, तो क्या हुआ, कन्वर्जिंग पार्ट हुआ हमारा एग्जिट और इधर हुआ हमारा पी वन, तो ये हमारा जो प्रेशर रेशियो है इस पे मेनली नोजल जो है वो डिपेंड कर रहा है डिस्चार्ज। तो अब हम निकालते हैं यहां पे कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, बस ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये आपको याद रखना है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, ठीक है। तो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला आपको कुछ नहीं करना है इसका, आप सिर्फ कंडीशन समझिए कि हम मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालने के लिए इस मास फ्लो ऑफ स्टीम को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर रेशियो पी टू अपन पी वन, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करने के लिए, आसानी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पी टू अपन पी वन को आप आर पी लिख सकते हैं, प्रेशर रेशियो आर पी, अब इसको आर पी की पावर टू बाई एन कर देंगे, आर पी की पावर एन प्लस वन बाय एन, तो डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। तो हम इस तरह से करते हैं, तो ये आर पी के रिस्पेक्ट में करेंगे और इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ठीक है ना, आर पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो तब जो निकल के आती है कंडीशन वो आपको याद रखनी है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज लेने के लिए प्रेशर रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए, दैट इज पी टू अपॉन पी वन इजिकल्स टू
टू अपॉन एन प्लस वन, समझ रहे हैं, पी टू अपॉन पी वन इज इक्वल्स टू टू अपॉन एन प्लस वन की होल पावर एन अपॉन एन माइनस वन। इसको याद रखना है बच्चों, अब इसको मत भूलिएगा, ठीक है ना। इसको आपको एनी हाउ याद रखना है कि ये प्रेशर रेशियो की कंडीशन क्या निकल के आई है, ये आई है हमारी फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए जो प्रेशर रेशियो निकल के आता है, याद रखिएगा, उस प्रेशर रेशियो को हम क्रिटिकल प्रेशर रेशियो बोलते हैं। उस प्रेशर को हम क्रिटिकल प्रेशर रेशियो बोलते हैं। समझ आई बात? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। काफी बच्चों के थोड़ा सा पहले समझ में आता है, ये बहुत अच्छी बात है। पर सस्पेंस मत खोलो यार चीजों को, जो बच्चे पहली बार, तभी तो मैं कह रहा हूँ चलो कमेंट मत देखो करो, ठीक है। जो बच्चे पहली बार चीजें समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका एक एक्साइटमेंट होता है। और फिर वही वाली बात है कि आपने बता दिया फिल्म में कि खून तो इसने किया है, तो फिर वो मजा सारा खराब हो जाएगा। तो ऐसा मत करो, मुझे पता है आपके अंदर जो है वो पनपरा होता है कि यस मुझे आ गया या मुझे याद है, पर थोड़ा सा मन के अंदर रखने की कोशिश करो उसे, क्योंकि सारा सस्पेंस जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए जो प्रेशर रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। इसको एनी हाउ याद रखिए बच्चों, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी अच्छा बनेगा नोजल में, तो फिर सीधा सीधा इसी पर अटैक होगा, क्योंकि आगे का सारा कंसेप्ट इसी के ऊपर है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज पूछी जाएगी, प्रेशर रेशियो। एसएससी में 2017-19 में भी पूछा गया है इस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखेगा पी टू अपन पी वन इज इक्वल टू अपन एन प्लस वन अपॉन एन अपन एन माइनस वन। अरे एन क्या है? एन आपका वही है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू हर स्ट्रीम के लिए अलग होगी। तो अब यहाँ पे एन की वैल्यू पे ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है, देखो टू अपन एन एन प्लस वन अपन एन माइनस वन। तो आपको ये कंडीशन यहां रखोगे तब जाके मैक्सिमम फ्लो रेट जो है वो निकल के आएगा। मतलब पी टू अपन पी वन की वैल्यू ये उठा के आप जब यहां रखोगे पी टू अपन पी वन की वैल्यू, तो आपका जो डिस्चार्ज होगा वो मैक्सिमम निकल के आएगा। तो उससे तो मतलब नहीं है, लेकिन प्रेशर रेशियो, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या क्या होता है हर तरह की स्टीम के लिए, ये आपको पेपर में पूछा गया है। तो अब एक डेटा मैं आपको देता हूं, वो डेटा एनी हाउ कैसे करके याद रखिए, उसको कहीं ना कहीं लिख के सामने टांग दीजिए उसे भी, क्योंकि वो भी जो है याद रखने में दिक्कत आएगी अगर आपको बार बार उसे देख नहीं रहे हो तो, ठीक है ना। तो आपको सिंपल पूछा जाता है व्हाट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, तो आप बोलोगे द प्रेशर रेशियो एट विच द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम, द प्रेशर रेशियो ऑफ अ नोज द प्रेशर रेशियो एट द नोजल एट विच द डिस्चार्ज थ्रू द नोजल इज मैक्सिमम। तो जहां पे नोजल का डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है, उस प्रेशर रेशियो को हम क्रिटिकल प्रेशर रेशियो बोलते हैं। समझ आई बात? नाउ अब आपसे पूछता है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के बारे में, ठीक है। और एक चीज मैं और बताता हूँ, ये क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से आप एम डॉट मैक्सिमम भी निकालोगे, तो मैक्सिमम की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, पर मैं लिख दे रहा हूं किसी किसी को आत्मा को संतुष्टि के लिए कि वो मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होगा फिर इस कंडीशन को रखने के बाद। तो मैं लिख दे रहा हूं बस, जरूरत नहीं है, एम डॉट एस मैक्सिमम। तो इस कंडीशन को रखने के बाद वो सॉल्व कर सकते हैं वो डिस्चार्ज कितना होता है, तो वो होता है हमारा अंडर रूट टू एन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है ना। जो चीज मैं भी समझो देख के लिख रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है उसको करने की जरूरत नहीं है, वो आपका एग्जैक्ट रिवीजन में नहीं आता है, वो तो बस करने वाली बात है कि लिख दीजिए पी वन वी वन, ये अभी स्पेसिफिक वॉल्यूम ही है, ठीक है। वी वन वी वन अपॉन टू अपॉन एन प्लस वन अपॉन टू एन माइनस वन, टू अपॉन एन प्लस वन अपॉन की पावर टू अपॉन एन माइनस वन, टू अपॉन एन माइनस वन, बस सिंपल। तो ये हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज है ये पुट करने के बाद। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है फिर, मैक्सिमम एग्जिट वेलोसिटी क्या होगी हमारी, ठीक है, उसको भी आप निकाल सकते हैं। हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि चलो ठीक है, आने वाले पेपरों में हो सकता है ये पूछ ले मैक्सिमम एग्जिट वेलोसिटी हमारी क्या होगी। तो ये जब हम रखेंगे वहां पे इसका भी एक्सप्रेशन निकलता है, इसके एक्सप्रेशन में ये पूरा पुट करते हैं वहां पे भी प्रेशर रेशियो, क्योंकि एग्जिट वेलोसिटी पहले हमें प्रेशर रेशियो के टर्म में निकालनी पड़ेगी। तो अब उसके बाद क्योंकि वो एच एच है ना हमारे पास, मतलब एंथैल्पी ड्रॉप था, एंथैल्पी ड्रॉप से आपको प्रेशर के टर्म में निकालनी पड़ेगी, तब जाके इस पे आप ये प्रेशर रेशियो रखोगे और वो एग्जिट वेलोसिटी ऑफ नोजल जो है वो कितनी होती है, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज टू एन अपॉन एन प्लस वन पी वन वी वन। वी वन वही है आपका, दैट इज कॉल्ड योर स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है ना। तो टू एन अपॉन एन प्लस वन पी वन वी वन, दिस इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज योर मैक्सिमम एग्जिट वेलोसिटी। तो ये होती है हमारी मैक्सिमम एग्जिट वेलोसिटी। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि अब इस मैक्सिमम एग्जिट वेलोसिटी भी आपने निकाल ली, मैक्सिमम मास फ्लो रेट भी निकाल दिया, किससे, इस कंडीशन से। तो मैंने आपको कहा जो याद रखनी है तो सिर्फ ये रखो, ये रखो, ये अभी तक पेपर में नहीं पूछी गई है, लेकिन
फिर भी मैं कहता हूं कि चलो छोटा एक्सप्रेशन है, शायद थोड़ा सा देखा हो आपका होगा तो याद रखो, तो इसको भी लिख लेना, ये लिखने की जरूरत नहीं है मास फ्लो रेट को। नाउ अब इस प्रेशर रेशियो को, अब जो आपके पास 2019 में भी क्वेश्चन पेपर में आया है वो ये है कि इस प्रेशर रेशियो को आपको अलग अलग वैल्यू के लिए पूछ सकता है कि भैया स्टीम आपकी सुपर हीटेड है तो प्रेशर रेशियो, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो कितना होगा, तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो को अलग अलग के लिए पूछ सकता है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, समझ आई बात, तो हटा दूं इसे एक्सप्रेशन को फिलहाल, ठीक है। चलिए नाउ अब देखिए, नाउ अब थोड़ा सा बात करते हैं क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के ऊपर, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के ऊपर, ठीक है। अब क्रिटिकल प्रेशर रेशियो हमने बोला कि वी हैव अ क्रिटिकल प्रेशर रेशियो पी, टू की जगह पे मैं सीधा सीधा पी स्टार बोल देता हूं, अपॉन पी वन इज इक्वल्स टू, ठीक है, पी स्टार मतलब जो भी हमारा आगे का प्रेशर होगा एग्जिट साइड का, तो उधर की साइड का जो भी प्रेशर होगा वो कहां पे ले रहे हैं हम लोग वो डिपेंड करेगा ना, तो वो प्रेशर अपॉन पी वन हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, इनलेट प्रेशर, दैट इज टू अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन, ठीक है, ये बेसिकली हमने बात कर, सॉरी एन अपॉन एन माइनस वन ना, एन अपॉन एन माइनस वन, ठीक है, ये बेसिकली हमने बात करी। नाउ अब यहां पे समझिए कि अगर मैं इसको सिंपल कन्वर्जिंग नोजल के लिए बोल रहा हूं या कन्वर्जिंग डायवर्जिंग के लिए बोल रहा हूं, अगर ये थ्रोट प्रेशर बोल रहा हूं तो याद रखिए इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, थ्रोट प्रेशर अपॉन इनलेट प्रेशर, थ्रोट अपॉन इनलेट दैट इज टू अपॉन एन प्लस वन, ठीक है ना, तो ये भी एक ही बात है, ठीक है, थ्रोट आगे थ्रोट और पीछे इनलेट, ठीक है, थ्रोट अपॉन इनलेट, तो जनरली उसके लिए हम लोग बोलते हैं। नाउ अब आपसे पेपर में पूछेगा अलग अलग स्टीम के लिए, अलग अलग टाइप की स्टीम अगर आपके पास है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए देखो जरूरी यह है कि आपको एन की वैल्यू पता हो, हर तरह की स्टीम के लिए एन की वैल्यू पता हो, लेकिन अगर एग्जाम की बात करें तो आपको एन की वैल्यू से भी फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि अगर एन की वैल्यू पता भी होगी तो सॉल्व कैसे करोगे, तो एग्जाम में सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब साफ है कि सीधा सीधा प्रेशर रेशियो याद रखेगा, ठीक है, मैं एन की वैल्यू भले ही बता देता हूं आपको लेकिन आप सीधा सीधा प्रेशर रेशियो याद रखेगा कि प्रेशर रेशियो जो है वो कितना कितना होता है किस किस तरह की स्टीम के लिए, क्लियर है। तो यहां पे सीधा सीधा लेते हैं हम लोग प्रेशर रेशियो की टर्म में, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक ऑर्डर में बताने की ताकि आपको याद करने में जो है वो आसानी हो, ठीक है, तो ऑर्डर में लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम एयर के लिए, एयर के लिए, ठीक है, एयर अगर हमारे पास है तो एन की वैल्यू हमारी क्या होती है, हम सबको पता है एयर के लिए एन की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, गामा के बराबर, दैट इज 1.4, भाई एडियाबेटिक के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 1.4, ठीक है ना, तो सबसे पहले ये याद रखिए, ठीक है, तो 1.4 होगी तो क्या आएगा 2 अपॉन 1.4 प्लस 1, 2 अपॉन 2.4 की पावर 1.4 अपॉन 1.4 माइनस 1, दैट इज 0.4, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी खासी हो जाती है यहाँ पे, तो इसलिए वो कैलकुलेशन ना करते हुए आप सीधा सीधा क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या लिखेंगे इसके लिए सीधा सीधा आप वो वैल्यू, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीधा वो वैल्यू याद रखिए, दैट इज 0.528, ठीक है, टेबल में सीधा सीधा ये वैल्यू याद रखिए कि अगर एयर है तो वैल्यू 0.528 है, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना भाई, हाँ मैं तो लिखी लिखाई वैल्यू बोल रहा हूँ जो मैंने नोट कर रख, पहले कभी निकाली होगी, ठीक है ना, तो वो जो निकाल रखी है मैंने वैल्यू पेपर में अपने, तो मैं सीधा वो बोल रहा हूँ, आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अंतर शायद होना गई, ठीक है, नाउ ठीक, सेकंड हमारा एयर के बाद जो आएगी 0.528, उसके बाद आते हैं 545 हो गया हमारा सुपर हीटेड स्टीम, तो इसके बाद हम बात करें सुपर हीटेड स्टीम की, सुपर हीटेड स्टीम, तो अगर मैं बोल रहा हूं हमारी है सुपर हीटेड स्टीम, स्टीम सुपर हीटेड है तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हुई, तब ये याद रखे 1.4 से थोड़ा ही कम लेनी है इनकी वैल्यू, That will be 1.3, तब ये n की वैल्यू हो जाती है 1.3, और 1.3 की वैल्यू को रखोगे तो p स्टार अपॉन p1 वन दैट विल बी इक्वल टू 0.54, दैट विल बी इक्वल टू 0.545, यू कैन से दैट इज फॉर सुपर हीटेड स्टीम, समझ आ रही बात, समझ आ रही बात, क्लियर है, दैट इज फॉर 0.545, ठीक है, तो दिस इज अवर फर्स्ट वैल्यू, दिस इज अवर सेकंड वैल्यू, नाउ इसके बाद आती है 0.57,
ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे ऑर्डर रखें तो याद है 0.52, 0.52 के बाद 0.54, 0.54 के बाद 0.57, फिर 0.582 बस। तो 0.5 सब में कॉमन है, 2, 4, 7, 8 सिंपल है। देखो ना याद करने के तरीके बनते हैं बच्चों, पेपर के लिए तो आपको इस तरह के कुछ ना कुछ कहानी बनानी पड़ेगी, 2, 4, 7, 8 तो कोई समस्या नहीं आएगी। नाउ 5, 7 किसके लिए होती है? सैचुरेटेड स्टीम, ठीक है ना। अभी और तरीका बताता हूं याद करने का, बहुत बेहतरीन। सैचुरेटेड स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम, अभी याद मैं आपको साथ साथ ही करा दूंगा, टेंशन ना लो। सैचुरेटेड स्टीम की बात करें क्योंकि 2019 में आ गया है वैट स्टीम, पूछा था कि सुपरजेट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन दोनों में से कोई एक केस पूछा था। तो सैचुरेटेड स्टीम की अगर बात करें तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? एन की वैल्यू होती है, इससे और कम आ जाओ, 1.3 है ना, 1.135, 1.135। तो 1.135 वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाता है पी स्टार अपॉन पी वन इज 0.577, ठीक है, समझ आ रही बात? ठीक है। फोर्थ अगर बात करें तो दैट इज योर वेट स्टीम, वेट स्टीम, ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करें दैट इज योर वेट स्टीम, और वेट के लिए वैल्यू होती है दैट इज 1.135 थी ना, 1.135, एक सेकेंड, 1.135, तो ये हो जाएगी 1.11, हाँ 1.113। तो याद रखिए n इक्वल्स टू 1.113, ठीक है। तो पी स्टार अपॉन पी वन जो है ये आप निकालेंगे दैट इज 0.582, दैट विल बी द वैल्यू। नाउ अब देखो याद करने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं आपको 2 से 3 चीजें बताया तो याद करने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। कैसे याद करना है? बहुत आसान। देखो कैसे याद करना है, किसी का भी क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, ठीक है ना। अब आपको पता है अगर हम सैचुरेशन डायग्राम जानते हैं, ठीक है ना, हम ये डायग्राम जानते हैं तो आपको पता है सबसे ऊपर क्या होती है? सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम से नीचे आएंगे तो सैचुरेशन, ये है सुपर हीटेड, ये है सैचुरेशन और ये है वेट। कहानी ऐसे ही तो है, सुपर हीटेड, सैचुरेशन और वेट। और सुपर हीटेड से भी सबसे ज्यादा ड्राई कौन है? एयर, समझ रहे ना। तो बहुत आसान, देखो एयर सुपर हीटेड स्टीम, सैचुरेटेड वेट। तो प्रेशर रेशियो जो है वो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, प्रेशर रेशियो वैल्यू नीचे से आते हुए बढ़ता जा रहा है। तो ये अपने आप ही ऑर्डर में लगे होते हैं ऑलरेडी, इसीलिए ये वैल्यू है, क्योंकि सबसे ज्यादा एन की वैल्यू जो है वो एयर के लिए इसीलिए है क्योंकि वो सबसे ऊपर है 1.4, सुपर हीटेड के लिए उसके नीचे 1.3, उसके बाद उसके नीचे 1.13, उसके बाद इससे 1.113, इस तरह से बस, ठीक है ना। तो 1.4, 1.3, 1.113, 1.113, 1.13, 1.113। अब उसके बाद प्रेशर रेशियो भी आप सेम कह सकते हैं, 0.5, 0.5 सब में है, बट 0. नीचे से स्टार्ट करें, 2, 5, 2, 5, 4, 5, 7, 5, 8, सिंपल। तो ये याद रखना जो है वो बहुत आसान है। अगर आपको देखो पहले ऑर्डर क्लियर रहेगा, ऑर्डर क्लियर है, सबसे ऊपर एयर आपके पास ऑर्डर क्लियर है, उसके नीचे सुपर हीटेड स्टीम, उसके नीचे सैचुरेटेड में टच करेगा, फिर वेट में टच करेगा, बस ये अपने आप ही ऑर्डर आपको क्लियर है। अब आपको पता है कि प्रेशर रेशियो जो है आपको बढ़ाते हुए चलने हैं, प्रेशर रेशियो आपको क्रिटिकल प्रेशर जो बढ़ाते हुए चलने हैं वो मैंने आपको बता दिए, 2, 4, 7, 8 बस। तो 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 2, 4, 7, 8 खत्म, अपने आप कहीं भी ऑप्शन टिक कर लेंगे, समझ आ रही बात। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग आराम से, क्लियर है, समझ आ गई बात। तो इस तरह से हम करेंगे, क्लियर है, बस याद रखिएगा क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो है आपका वो जैसे जैसे बढ़ेगा, एन की वैल्यू मतलब जैसे जैसे घटेगी क्रिटिकल प्रेशर रेशियो बढ़ता रहेगा, क्लियर है। ये याद रखना, उल्टा याद रखना मतलब एन के साथ, ठीक है ना। तो नोट कर लिया, नोट कर लिया, तो दैट इज दी अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब इस क्रिटिकल प्रेशर रेशियो का सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं, ठीक है। लाइक करो भाई सब, क्रिकेट 247 क्या है ये, 247 मतलब 2400 घंटे सातों दिन आप क्रिकेट खेलेंगे, चलो ये
चलो ये ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक्स है बच्चों, हमने भी अपने टाइम पे याद करी, भले हमने उसका कुछ किया नहीं लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी ट्रिक्स जरूर बनाइए, बिना ट्रिक्स के यू नेवर क्रैक द एग्जाम। आप जब तक इस तरह की, और खासकर ये तो चलो आपका ईएस जैसा वैसा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना, जब सब्जेक्टिव की बात करते हैं ना तब तो ट्रिक्स ही ट्रिक्स चाहिए। आपको सब्जेक्टिव में 10 पॉइंट याद नहीं आएंगे अगर आपने कोई ट्रिक्स नहीं बना रखी है। तो ये बहुत जरूरी है, और खासकर नॉन टेक में तो बहुत भी ज्यादा जरूरी है। अभी टेक्निकल में तो मैं फिर भी जहां जहां है वहां बता देता हूँ आपको कि क्या ट्रिक से याद रखना है, लेकिन नॉन टेक में तो बिना ट्रिक के कुछ हिलता नहीं है। आपको वॉइसरॉय ही नहीं याद रहने की अगर ट्रिक नहीं है तो। मुझे तो अपनी तरह याद है, मैंने तो पता नहीं दीवारें छापी थी उस टाइम पे वॉइसरॉय वॉइसरॉय। तब पर वही है कि हमने तो मजे लिए नॉन टेक के भी, उसका कुछ यूज नहीं किया। लेकिन एक टाइम पे मुझे याद है 2011-12 के टाइम पे, 2011-12 के टाइम पे जब मैं शायद मैकेनिकल भी नहीं पढ़ाता था उस टाइम पे, मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है। मतलब आप सोच सकते हैं आज, मतलब आज किसी को यकीन नहीं आएगा कि 2012 में मैंने एक इंस्टीट्यूट में हिस्ट्री पढ़ाई है 3 महीने। कमाल है। और आज हिस्ट्री, मैं खुद हिस्ट्री हो गई ये बात और वो भी ऐसे वैसे को नहीं, दे ऑल आर फैकल्टीज, वो भी फैकल्टीज से, उन फैकल्टीज को मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है, वो भी मॉडर्न इंडिया। क्या टाइम था वो भी, मॉडर्न इंडिया बिल्कुल जुबानी पर रटी पड़ी थी, गांधी जी आने से लेकर गांधी जी को भेजने तक का पूरा हिसाब किताब याद था, विद ईयर वाइज चीजें, पूरी स्टोरी और बिल्कुल कहानी। तभी मैं कहता हूँ कि नॉन टेक तो बिल्कुल कहानी की तरह याद कर सकते हैं आप। बस वही है कि आपको रिवीजन के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स बनानी पड़ेगी, नहीं तो फिर भूल जाओगे। तो उस टाइम मैंने भी वॉइस रॉयस से लेके ईयर वाइज ट्रिक बना रखी थी, कुछ उंगलियों में था पता नहीं क्या था, तो कुछ याद नहीं है। लेकिन ऐसा तो मुझे मतलब अब यकीन नहीं आता खुद पे कि मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है ऐसे करके, और कैसे पढ़ाई है हिस्ट्री, आज मैं मतलब उसके आसपास भी नहीं हूँ। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये है कि चीजें नहीं करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ट्राई करी हैं कुछ अलग लेवल पे। मतलब मैं हिस्ट्री में कॉन्फिडेंट फील करता था बजाय कि टेक्निकल के, कमाल है। चलो स्टीम नोजल में अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेशर रेशियो। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेशर रेशियो। नो क्रिटिक, सॉरी क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, नॉट प्रेशर रेशियो, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। इसका सिग्निफिकेंस समझे कि हमने ये सब जो निकाला है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, हमें जानना क्यों जरूरी है। तो एक बेसिक सा सिग्निफिकेंस तो जान चुके हैं आप लोग, क्या कि बेसिक सा सिग्निफिकेंस प्रेशर रेशियो का क्या है, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, कि भैया क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो है, ठीक है ना, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो है वो आपका वो है जहां पे आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल रहा है नोजल से। तो एक सिग्निफिकेंस तो बेसिक आप जान ही गए ना कि भैया मैक्सिमम डिस्चार्ज क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से ही मिलेगा। तो हमें जानना जरूरी है कि किस प्रेशर रेशियो पे हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा। नाउ अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं बस इस बात को। तो मान लीजिए हमारा जो है वो इस तरह का, मान लीजिए कोई फ्लो हो रहा है, तो ये नोजल टाइप मान लेते हैं हम, कुछ फ्लो हो रहा है हमारा इस तरह का। अब यहाँ पे मैंने कोई वॉल्व लगा रखी है, हमने कोई वॉल्व लगा रखी है, ठीक है। अब वॉल्व होगी, फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पे जो है वो प्रेशर ज्यादा रहेगा। भाई वॉल्व ने बंद हो रखी है, वॉल्व इज कंप्लीटली क्लोज, तो ये प्रेशर जो है वो बिल्डअप होगा ज्यादा यहां पे, ठीक है। यहां पे कुछ P1 है, ठीक है। तो यहां पे हम एक ग्राफ बना रहे हैं सिंपली, ठीक है। अब यहां पे दो कंसेप्ट आपको पता चलेंगे, वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। यहां पे हम एक ग्राफ बनाते हैं फिर भी, दैट इज किस किस के बीच में, वो बनाएंगे हम प्रेशर रेशियो। याद रखिएगा इस कंसेप्ट को, दिन में इसके ऊपर क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। वो बनाएंगे हम प्रेशर रेशियो और मास फ्लो के बीच में, मास फ्लो रेट के बीच में। मास फ्लो रेट के बीच में, तो प्रेशर रेशियो और मास फ्लो रेट के बीच में हमें ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने कोई वॉल्व लगाई, जो वॉल्व कंप्लीटली क्लोज है तो ये प्रेशर रेशियो ज्यादा है, तो प्रेशर रेशियो ज्यादा, भाई P2 1 P1 है ना, तो P2 जो है वो अभी जो है इनिशियली वो ग्रेटर देन 1 है हमारा, P2 तो है वो P1 से ज्यादा है, तो P2 upon P1 जो है हमारा वो अभी मैक्सिमम है, ठीक है। देखो जैसे जैसे एग्जिट प्रेशर ज्यादा होगा, एग्जिट प्रेशर अगर हमारा ज्यादा होगा तो हमारा क्रिटिकल प्रेशर रेशियो ज्यादा होगा, समझ लीजिए। तो अगर मैं एग्जिट प्रेशर ज्यादा, अभी बंद कराया क्लोज, तो एग्जिट प्रेशर सबसे मैक्सिमम है यहां पे,
ठीक है ना, अगर ये क्लोज है तो एग्जिट प्रेशर यहां पे सबसे मैक्सिमम है, मैक्सिमम है तो हम कहीं यहां पे हैं। देखो समझो इस बात को, एग्जिट प्रेशर यहां पे है हम लोग, पी टू अपॉन पी वन, दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, ध्यान समझेगा, तो हम प्रेशर रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू पे हैं यहां पे। तो जब ये पूरी तरह से क्लोज है, प्रेशर रेशियो मैक्सिमम, इनिशियल कंडीशन समझो, पूरी तरह से क्लोज है वॉल्व, प्रेशर P2 मैक्सिमम है, ठीक है भाई, मैक्सिमम प्रेशर यहां पे है, बंद है पूरा, ठीक है, तो प्रेशर मैक्सिमम है, तो फ्लो कितना हो रहा है यहां पे भाई, जब बंद है तो फ्लो कितना हो रहा है यहां पे, जीरो। तो इसलिए मैंने यहां पे पॉइंट बनाया, ठीक है ना, इसलिए मैंने पॉइंट जो है वो यहां पे बनाया, क्यों, क्योंकि प्रेशर रेशियो मेरा मैक्सिमम है जिस टाइम पे, तो मास फ्लो रेट जीरो है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, पहला पॉइंट समझ में आया, ये पहला क्वेश्चन है क्या, कि जब पी टू बाय पी वन मैक्सिमम है तो एट दिस पॉइंट मास फ्लो रेट जो है वो जीरो है, ठीक है ना, ऐसे पॉइंट पे मास फ्लो रेट जो है हमारा वो एम डॉट एस वो जीरो है। क्लियर है, समझ आ गई बात, तो इनिशियली यहां से स्टार्ट करते हैं जीरो से। नाउ नाउ अब जैसे जैसे मैं वॉल्व को खोल दूंगा, खोलता रहूंगा, जैसे जैसे वॉल्व को खोलता रहूंगा तो क्या होगा, प्रेशर जो है P2 वो घटता जाएगा भाई, जैसे स्टीम निकलनी शुरू होगी P2 कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे मैं वॉल्व को खोलता रहूंगा तो P2 जो है वो गिरता जाएगा, ठीक है ना, वॉल्व जैसे जैसे वॉल्व जो है वो ओपन होती रहेगी, ठीक है ना, ओपन होती रहेगी, वैसे वैसे P2 की वैल्यू गिरती रहेगी। समझ आ रही बात, ये बात भी लॉजिकली समझ आ रही है। तो क्या हुआ, जैसे जैसे वॉल्व ओपन होती रहेगी P2 अपन P1 की, P2 की वैल्यू गिर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, P2 अपन P1 जो है वो गिरता रहेगा। तो मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं बता रहा हूं, आपको ऐसे ही बता रहा हूं, लिख लेना कहीं पर भी, जैसे जैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे वॉल्व ओपन होती रहेगी P2 की वैल्यू गिरती रहेगी और उससे प्रेशर रेशियो जो है जो कम होता रहेगा, तो हमारा प्रेशर रेशियो जो है वो कम होता रहता है। तो हम ग्राफ इधर को लेके चलते हैं, याद रखिए हम ग्राफ ऐसे में बना रहे हैं, तो जब हम ऐसे बना रहे हैं तो प्रेशर रेशियो कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्रेशर रेशियो हमारा कम हो रहा है, P2 हमारा कम हो रहा है, तो प्रेशर रेशियो कम हो रहा है, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्यों कम हो रहा है, क्योंकि P2 इसलिए कम हो रहा है क्योंकि वॉल्व धीरे धीरे जो है वो ओपन होती जा रही है, वॉल्व ओपन होती जा रही है, एग्जिट प्रेशर घटता जा रहा है, उससे क्रिटिकल प्रेशर रेशियो भी जो है वो घटता चला जा रहा है, और उससे हो क्या रहा है, उससे जो है हमारा ये मास फ्लो रेट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है भाई, जैसे जैसे खुलेगी मास फ्लो रेट बढ़ता जाएगा, तो मास फ्लो रेट धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है, तो किसी सर्टेन वैल्यू पे वो यहां पे है, समझ लीजिए किसी सर्टेन वैल्यू पे वो यहां पे है, और घटाया और खोला तो यहां पे आया। अब एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा जब वो मास फ्लो रेट कहीं यहां पे है, मान लीजिए यहां पे है, उसके बाद मैं फर्दर और प्रेशर को घटा रहा हूं, ठीक है, एक प्रेशर रेशियो ये भी था कहीं पर, उसके बाद मैं और प्रेशर रेशियो को घटा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, एक टाइम आया जिसके बाद अगर मैं और घटा रहा हूं तो देर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी एंड नो चेंज इन मास फ्लो रेट। तो ऑब्वियसली बात है खुल गई होगी ना एक बार, बस जितनी खुलनी खुल गई, अब एक टाइम के बाद जो है वो नोजल की वेलोसिटी और मास फ्लो में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जिस टाइम पे वेलोसिटी और मास फ्लो में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब ये उसके बाद कॉन्स्टेंट है वैल्यू, समझ आ रही बात, ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि यहां पे जो है एम डॉट एक्स वो क्या है, मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मास फ्लो रेट जो है वो मैक्सिमम हो गया, उसके बाद वो कांस्टेंट है। तो अब यहां पे देयर विल बी नो चेंज इन मास फ्लो रेट, बस ये दो पॉइंट याद रखेगा। तो जहां पे मास फ्लो रेट मैक्सिमम होता है, याद रख बताइए उस प्रेशर रेशियो को हम क्या बोलते हैं, दैट इज क्रिटिकल। तो यही हमारा पॉइंट जो कहलाएगा भाई, प्रेशर रेशियो धीरे धीरे घटता जा रहा था, घटता जा रहा था, घटता जा रहा था, जिस पॉइंट पे मास फ्लो रेट मैक्सिमम होगा वहां पे प्रेशर रेशियो, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो मैक्सिमम हो गया, वहां पे क्रिटिकल प्रेशर रेशियो मैक्सिमम हो गया। तो यहां पे क्रिटिकल प्रेशर रेशियो हमारा मैक्सिमम हो गया, उसके बाद मास फ्लो रेट कॉन्स्टेंट हो गया, ना वेलोसिटी चेंज हो रही है ना ही हमारी
वेलोसिटी चेंज हो रही है और ना ही हमारा मास फ्लो रेट चेंज हो रहा है, वो दोनों कांस्टेंट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ चोकिंग ऑफ नोजल। इसको बोलते हैं चोकिंग ऑफ नोजल। तो हम कई बार क्या है, जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं रहता बच्चे को, वो चोकिंग से मतलब समझता है कि मास फ्लो रेट रुक गया है, रुका नहीं है, कॉन्स्टेंट हो गया है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी अब और नहीं बढ़ सकती, तो मतलब चोकिंग पे वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती, इसके ज्यादा हम प्रेशर रेशियो को डिक्रीज करने का कोई फायदा नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखेगा चोकिंग ऑफ नोजल मतलब वेयर मास फ्लो रेट एंड एग्जिट वेलोसिटी विल नॉट चेंज ऑन ऑन फर्दर डिक्रीज इन प्रेशर रेशियो। जहां पे प्रेशर रेशियो को डिक्रीज करने पे हमारी मास फ्लो रेट एंड एग्जिट वेलोसिटी चेंज ना हो, ठीक है ना, ठीक है ना, जहां पे ना हो वहां पे हम सिंपल कहेंगे कि दैट इज अ कंडीशन ऑफ चोकिंग ऑफ नोजल। इसको हम बोलते हैं चोकिंग ऑफ नोजल, दैट इज कॉल्ड चोकिंग ऑफ नोजल। क्लियर है भाई, समझ आ गई बात। तो बस यहां पे दो कॉन्सेप्ट समझते थे, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो वो आपको पहले से पता था, वो आपने समझ लिया कि ये पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, और दैट इज कॉल्ड चोकिंग ऑफ नोजल, देन चोकिंग ऑफ नोजल इज कॉल्ड दिस। ठीक है, ठीक है, जस्ट जस्ट क्रिटिकल रेशियो के बाद, क्रिटिकल रेशियो पे नहीं बोलेंगे, वहां तक तो मैक्सिमम गिन रहे हैं हम, वहां पे चोकिंग नहीं बोलेंगे। जस्ट आफ्टर द, चाहे आप हल्का सा भी खिसके हो, लेकिन जस्ट आफ्टर द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो द नोजल विज चोक, नोजल जो है वो चोक्ड हो जाएगी, हम ये बोलेंगे कि उसके बाद अब फर्दर कोई चेंजेस नहीं है, आप ड्रॉप करते जाएं उसके बाद नहीं। तो जस्ट बिलो द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो अगर आप जाते हैं और कोई चेंज नहीं होता है तो वही क्रिटिकल प्रेशर रेशियो कहलाएगा और उसके नीचे सारा चोक कहलाएगा। तो ये बेसिकली जो लास्ट ग्राफ होता है ये आपको याद रखना होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। P2 को हम बैक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, एग्जिट प्रेशर, या फिर P2 को हम बैक प्रेशर बोलते हैं, जो बैक लग रहा है ना, इसको हम बैक प्रेशर भी बोलते हैं। तो इस पे काफी सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे पास, ठीक है ना, काफी सारे क्वेश्चन भी जो है, साइड हो जाइए, नहीं होता मैं साइड, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे काफी सारे क्वेश्चन जो है हमारे पास इस सिंपल से कॉन्सेप्ट के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो हमें पूछे जाते हैं, तो दिन में उन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम आराम से कर सकते हैं, कभी प्रेशर को लेके होंगे तो कोई वो होंगे, तो इतना आपको टोटल रखना है। अभी मैंने एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, नोजल में इतना कंप्लीट आपको याद रखना है बच्चों, लेकिन अभी मैंने एक टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस नहीं किया, क्या, सुपर सैचुरेशन इन नोजल। अब कितने बच्चे बता सकते हैं कि यहाँ पे सुपर सैचुरेशन कितनों को आता है, बताइए, सुपर सैचुरेशन ऑफ नोजल, सिर्फ यस और नो बताना है, कितनों को सुपर सैचुरेशन जो है वो आता है, यस और नो बताइए, सुपर सैचुरेशन ऑफ नोजल की, सुपर सैचुरेशन क्या है नोजल में, बताइए अच्छे से, कंसेप्चुअली कह रहा हूं मैं, जिसको कंसेप्चुअली समझ में आता है, ये नहीं कि डेफिनेशन आती है, सुपर सैचुरेशन कितने को आता है, बताओ यस नो बताओ, कितनों को सुपर सैचुरेशन आता है बताइए, बताइए बताइए, वेरी गुड, नहीं आता, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि आज का जो शॉर्ट वीडियो होगा वो होगा सुपर सैचुरेशन ऑफ नोजल पे, ठीक है, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि उसको हर आदमी अलग से ढूंढना चाहता है कि सुपर सैचुरेशन ऑफ नोजल है क्या, ठीक है ना, तो उसको मैं इस कंटेंट में नहीं रखूंगा, नहीं तो फिर मुझे कट करके वापस अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, तो उसको रखेंगे हम यहाँ पे शॉर्ट वीडियो में, जो एक डेढ़ घंटे के अंदर आपके पास, मतलब बिफोर एक वाले पीएम के पहले आपके पास वो वीडियो आ जाएगा, जिसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेशन ऑफ नोजल, और बहुत अच्छे से उसको एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस के साथ समझेंगे कि एक्चुअल में सुपर सैचुरेशन है क्या। सैचुरेटेड हमारे समझ में आता है कि सैचुरेटेड मतलब हमारा सैचुरेशन लाइन पे, लेकिन व्हाट इज सुपर सैचुरेशन, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, आज के लिए हमारा नोजल जो है वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद दिन में हम इसके क्वेश्चन करेंगे और फिर फर्दर आगे चलेंगे, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं 1 बजे।